Siddha Purusa Yanamaha Vagi Sadhya Sumanasaha Sarvarthanam Upakrame Yam Natva Kritkrityasyo Tam Namami Gajanana Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraya Radha Bhakti Harigyana Tabhyam Yacha Samanvita Tam Sri Bhagavatim Gatham Vande Yugala Rupine Gavam hi dhirdhe vasati ghagangam Pushtis tata tadrajasi pravriddha Lakshmi kari se pranatau cha dharmata saam pranamam satatam cha kuriya Sab dwaran ko chhod kar Main aayo tere dwar Vrishbhanu ki nandani tu meri aur nihar Buddhihin tanu jaan ke Sumirau pavan kumar Bal buddhi vidhya devu mohi harau kalesh vikar Bole Vrindavan Bihari Lal ki Bole Bhagavat Bhagavan ki बोले वेदव्यास जी महाराज की बोले सुखदेव जी महाराज की बोले प्रक्ष जी महाराज की बोले चार भुजानाथ की बोले सांवरिया सेठ की बोले उमापति महादेव की बोले बस्ती नगर की बोले गोमाधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्या नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारुण करुणा वर्णालय तड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण के वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ सप्तम दिवस आप सभी आए हुए मेहमानों का महाराज बहुत बहुत स्वागत प्रेम से एक बार सभी बोले राधे राधे। आइए नित्य प्रति के भांति कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें बड़े भाव के साथ में सभी को गाना है बड़े भाव के साथ में जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल
जय राधा रमण हरि वो जय जय राधा तमण हरि वो हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल सेवा करते हुए हरि बोल भागवत भगवान की हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब भंसलाल जी बता रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत और हमारे गांव के यहाँ के जो पंडित जी हैं प्रहलाद जी पंडित जी वे भी बता रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारा। कल की कथा में आपने क्या सुना महाराज? रुक्मणी जी का विवाह हुआ है भगवान द्वारिकाधीश के साथ में। एक बात मैं हर जगह कहता हूं कि लक्ष्मी के जो पति हैं वे नारायण हैं। कहते हैं ना कभी कभी लोग कि हम लखपति बन गए, क्या कहते हैं हम करोड़पति बन गए। कोई महाराज पति नहीं है, लक्ष्मी जी के पुत्र बन सकते हैं लेकिन पति नहीं बन सकते हैं। और जो पति बनते हैं लक्ष्मी जी के तो उनका पतन भी जल्दी हो जाता है। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू।
जब लक्ष्मी जी आती है तो महाराज अच्छे अच्छे को उल्लू बना देती है। और भगवान विष्णु का वान क्या है? गरुड़। गरुड़ है महाराज ज्ञान का प्रतीक, इसलिए कभी लक्ष्मी की अकेले की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण के साथ में उनकी उपासना करनी चाहिए महाराज। शिशुपाल चाहता था कि लक्ष्मी जी को मैं लेकर के जाऊं, लेकिन लक्ष्मी जी तो नारायण के साथ में चली गई है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि जो ज्यादा धनवान हो जाता है, जिनके पास में ज्यादा धन आ जाता है, उनके महाराज अधिक शत्रु हो जाते हैं, अधिक दुश्मन बन जाते हैं। कि महाराज पहले तो ये किराए के मकान में रहते थे, इनके पास में कुछ था नहीं, लेकिन अब इनके पास में महाराज बड़ा बंगला हो गया, इनके गाड़ी हो गई, इनके फैक्ट्रियां चलने लग गई। ऐसे ही महाराज भगवान कृष्ण के अनेक शत्रु हैं, अनेक दुश्मन हैं महाराज, लेकिन कितना भी दुख हो, लेकिन उस परमात्मा को, उस भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कितनी भी संपत्ति है आपके पास में, कितना भी धन है आपके पास में, कितना भी वैभव है आपके पास में, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को, उस ठाकुर को, मेरे माधव को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर क्षण उनकी स्मृति बनी रहे, उनका ध्यान बना रहे, उनका नाम सुमिरन बना रहे, यही जीवन में अधिक प्रयास करो महाराज जी। क्या प्रयास करना आपको? हाँ, भगवान को कभी भूलना नहीं। भगवान को जब आप नहीं भूलोगे तो होगा क्या? क्या होगा? कल्याण हो जाएगा आपका। प्रेम से बोले राधे राधे। यदि जीते जी आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो, बाकी कोई पता नहीं है महाराज, आपके जाने के बाद में आपके कल्याण के बारे में कोई सोचेंगे, आपकी मुक्ति के बारे में कोई सोचेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। जितना धन है उसका सदुपयोग करना, अच्छे जगह काम में लगाना, कोई स्कूल के कोई निर्माण हो रहा है वहां लगाओ, कोई हॉस्पिटल बन रहा है वहां लगाओ, कोई गरीब है उनके लगाओ, लेकिन अपने धन का सदुपयोग करो। धन की तीन गति है महाराज, दान करो या भोग करो या फिर नाश करो। आपने महाराज अनेक नोट इकट्ठे कर दिए, आप उनका भोग नहीं कर पाए तो महाराज दूसरे लोग उनका मजा लेंगे। इसलिए महाराज भगवान समझाना चाहते हैं कि लक्ष्मी का सदुपयोग भगवान के काम में ही होता है, धर्म के काम में ही लक्ष्मी का सदुपयोग होता है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कितने भी संकट में आप गिरे हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को, मेरे गोविंद को कभी मत भूलो।
हरि स्मृति ही सर्व पद मोक्षणम, हरि की स्मृति बनी रहे, सतत यही प्रयास करो अपने जीवन में महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कि रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है। महाराज प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है, लेकिन शत्रुओं की कोई कमी नहीं, भगवान के कृष्ण के भी बड़े शत्रु हैं, बड़े दुश्मन हैं। तो अपन लोग तो महाराज साधारण हैं, हाँ, जब भगवान के इतने शत्रु हो सकते हैं तो अपना अंदाज कहां तक हाँ जा सकता है। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो सूति का ग्रह से ही संबासुर प्रद्युम्न को उठा करके लेकर के चले गए और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका महाराज तो एक मछली ने निगल लिया, और मछली को एक मछवारा पकड़ के लेकर के आया और संबासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करते हैं विद्यावती, तो भोजनशाला में महाराज दे दी उस मछली को। नारद जी महाराज आए और उस विद्यावती से कहते हैं, उस मछली को चीरा महाराज तो उसमें एक बालक निकला। नारद जी आकर के कहने लगे उस विद्यावती से, ये तुम्हारे पति हैं, जब भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को समाप्त कर दिया था तो कामदेव की पत्नी थी विद्यावती, रोती रोती महाराज उनके पास में गई रती, रोती रोती महाराज भगवान भोलेनाथ के पास में गई। भोलेनाथ ने महाराज कामदेव को समाप्त कर दिया, वह रती रोती भी आई कि भगवान भोलेनाथ आपने तो मेरे पति को आपने समाप्त कर दिया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि आपके पति आपको पुनः मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? द्वापर युग में, जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तब मेरे पुत्र के रूप में। प्रेम से बोले राधे राधे। तो आज प्रद्युम्न जी मिल गए महाराज, संबासुर को मार करके महाराज अपनी पत्नी को साथ में लेकर के विद्यावती को और द्वारिका में आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब द्वारिका में पधारे प्रद्युम्न जी, तब तक महाराज भगवान के 16,108 विवाह हो गए। अच्छा महाराज, भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, वे कैसे हुए महाराज आप बताइए। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है महाराज भालू की जो बेटी थी जामवंती, दूसरा विवाह है। तीसरा हुआ सत्यभामा के साथ में। अच्छा महाराज, भालू की बेटी और भगवान कृष्ण की पत्नी बनी, ये कैसे महाराज? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, द्वारका में एक राजा थे, उनका नाम था महाराज सत्राजित। सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी थे, उनके पास में एक मणि थी, उस मणि का नाम है समंतक मणि। वे महाराज सत्राजित जी नित्य 10 घंटा उस मणि का पूजन करते थे, वे 8 बार सोना नित्य प्रकट करती थी वे मणि। महाराज 8 बार का मतलब 2 क्विंटल सोना रोज देती थी। एक बार महाराज सत्राजित की सभा में भगवान द्वारिकाधीश आए और कहने लगे कि महाराज सत्राजित, आपके घर में कुल कितने सदस्य हो? महाराज सत्राजित कहने लगे, महाराज मैं हूं, मेरी पत्नी है, एक मेरा छोटा भाई प्रसेन है और एक मेरी बेटी है। अच्छा महाराज, घर में कुल मिला के तुम 3.5 लोग हो और तुम्हारे पास में इतनी बड़ी मणि, ऐसा करो कि इस मणि को अपने इस खजाने में रख दो, कभी अकाल पड़ेगा तब इस धन का हम सही उपयोग करेंगे, इस राजकोष में अपन रख देते हैं, अपने खजाने में रख देते हैं, जब कभी कोई समस्या होगी तो इस धन का सही उपयोग कर देंगे अपन। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया,
भगवान द्वारिका देश कहने लगे कि मणि आपकी है, जैसा चाहो ऐसा करो आप। दूसरे दिन महाराज क्या हुआ, उस मणि को अपने कंठ में पहन करके महाराज प्रसेन जी शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। लेकिन जंगल में गए महाराज तो लौट करके वे नहीं आए। जब वे लौट करके नहीं आए तो महाराज सत्राज जी अपनी पत्नी से कहने लगे कि मेरे को ऐसा लगता है कि द्वारकाधीश कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके कहीं मणि तो नहीं ले ली। लेकिन करने करने जपन जना वे बात पूरी द्वारिका में फैल गई। लेकिन देख तू किसी को बताना मत, आपा सब बड़ी आप भूल कर गड़ा लुगाए ने या कहदा कि या बात किनी कहनी कौन है, कोई गुप्त बात बताना आपा या पचा बाद में या कहदा कि या बात किनी कहनी कौन है। तो महाराज पांच गवां में बात न फैले चतर तमा की रोटी हजम न आवे। मैं आपके ने क्यों बता, मैं दूसरा गांव ने क्यों मैं, हाँ प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान द्वारिकाधीश के महाराजा बड़ा कलंक लगा है। भगवान द्वारिकाधीश पर कलंक लगा तो भगवान द्वारिकाधीश अपने सभी साथियों को लेकर के महाराज जंगल में गए। जंगल में गए तो महाराज प्रसेन जी महाराज मरे पड़े हुए थे। आगे गए और तो महाराज शेर भी मरा पड़ा हुआ है, रीछ के पैर देखे। जब संभालने गए तो महाराज एक पास में गुफा थी, उसमें महाराज जामवंत जी और जामवंती रहती है। उस मणि से जामवंत जी की जो बेटी है वह खेल रही थी। भगवान द्वारकाधीश उस गुफा के अंदर प्रवेश करने लगे तब तक वह जामवंती जी की जो बेटी है भगवान कृष्ण को देख लिया और दौड़ करके अपने पिता के पास में गई कि कोई आया है। तो महाराज भगवान द्वारकाधीश का और जामवंत जी का युद्ध होने लगा वहां पर। भगवान द्वारकाधीश और जामवंत जी युद्ध करते करते महाराज जामवंत जी की महाराज नस नस ढीली हो गई। आज जामवंत जी समझ गए कि महाराज आप साधारण नहीं हो, आप तो साक्षात मेरे राघवेंद्र सरकार हो। जामवंत जी कौन है महाराज, जब राम जी ने रावण को समाप्त कर दिया तो महाराज सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे, किसी को भक्ति का आशीर्वाद दिया, किसी को अपने चरणों के महाराज भक्ति दी, किसी को मोक्ष प्रदान किया। जामवंत जी एक कोने में खड़े हुए थे कि अरे जामवंत तुम कुछ मांगते नहीं हो, तुम भी कुछ मांगो। जामवंत जी कहने लगे कि रावण को तो आपने मार दिया लेकिन मेरे जैसा कोई बलशाली यहां नहीं मिला मेरे को, मैं तो चाहता हूं कि आपसे ही मेरा युद्ध हो जाए। तो भगवान राघवेंद्र सरकार कहने लगे स्वामी और सेवक का कभी युद्ध नहीं हो सकता है, मर्यादा के अनुकूल है ये युद्ध नहीं हो सकता है। तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं आगे पूर्ण करूंगा। अब जामवंत जी समझ गए महाराज ये तो मेरे राघवेंद्र सरकार है। जामवंत जी की तो महाराज नष्ट नष्ट ढीली हो गई। भगवान द्वारिकाधीश ने महाराज अपनी पूरी कथा सुनाई, लेकिन जामवंत जी क्या कहते हैं कि मैंने ये मणि अपनी बेटी को दे दी है और बेटी को दिया हुआ धन पिता पुनः नहीं लेता है, तब महाराज क्या किया जाए। प्रेम से बोले राधे राधे। तो महाराज ऐसा करिए आप इस मणि को भी ले जाइए और इस बेटी को भी ले जाइए महाराज। तो महाराज भगवान द्वारकाधीश का दूसरा विवाह हो गया जामवंती से। बोली द्वारकाधीश भगवान की, वह मणि ला करके महाराज सत्राजीत को
प्रदान करी कि ये महाराज ये मणि आपने व्यर्थ में मेरे को कलंक लगाया। भगवान कृष्ण के ऊपर आज कलंक लगा तो गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मेरे ऊपर कलंक कैसे लगा। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं महाराज कि आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चौथ का चंद्रमा देख लिया है इसलिए आपके ऊपर कलंक लग गया है। भादो में महाराज चौथ का चंद्रमा कभी नहीं देखना चाहिए, बाकी व्यर्थ का कलंक लग जाता है। बाकी तो आप सब समझदार हो आप। जब ये मणि उनको दी महाराज सत्रजीत बड़े लज्जित हुए। अब क्या किया जाए, समाज में अपना मुंह कैसे दिखाएंगे से? तो सत्रजीत ने कहा कि महाराज ऐसा करिए कि ये मणि भी अपने पास में रखिए और ये मेरी जो बेटी है सत्यभामा ये भी अपने पास में रख लीजिए तो मेरी बदनामी नहीं होगी। तो महाराज तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से। बोले द्वारिकाधीश भगवान की महाराज सत्रजीत से मणि द्वारिका ने कहने लगे कि मैं मणि को अपने पास में नहीं रखूंगा क्योंकि मणि के हिसाब से मेरे ऊपर कलंक लगा है, मणि तो अपने पास में रखिए। महाराज एक राजा थे सुधनवा, महाराज सत्रजीत को ही उन्होंने मार दिया। तो सत्याभामा रोती रोती महाराज द्वारिकाधीश के पास में आई कि यहां आप बैठकर के चौपाल पर महाराज खेल रहे हैं, चौपाल खेल रहे हैं और मेरे पिताजी मर गए। तो भगवान द्वारकाधीश भी रोने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो द्वारकाधीश भगवान रो रहे हैं, क्यों रोए महाराज कि यदि मैं नहीं रोऊंगा तो मेरी घरवाली क्या कहेगी कि ससुर जी मरे हुए हैं यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, तो सत्यभामा प्रसन्न हो जाएगी इसलिए महाराज द्वारकाधीश रोए। भगवान द्वारकाधीश गए तो धनवा को समाप्त किया और वह मणि अक्रूर जी को प्रदान कर दी महाराज। भगवान एक दिन अर्जुन को लेकर के घूमने गए महाराज। घूमने गए तो महाराज यमुना जी के तट पर एक देवी को देखा। अहम देवस्य सवितुर दुरितापमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपह परममास्तिता। भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे कि अर्जुन तुम जाओ वे देवी कौन है उनका परिचय पूछ करके आओ। अर्जुन गए और उस देवी से पूछने लगे कि देवी आप कौन हो, इतने जंगल में आप क्या कर रही हो? तो मेरा नाम महाराज यमुना है, मैं सूर्य के पुत्र हूँ, यमराज की बहन हूँ मैं और भगवान कृष्ण को मैं अपने पति रूप में वर्णित करना चाहती हूँ। महाराज अर्जुन ने इशारा किया कि आपके लिए तपस्या हो रही है, हाँ ये भजन सब आपके लिए हो रहा है। अच्छा, भगवान यही कहते हैं कि महाराज जब सब दरवाजे बंद हो जाते तो हमारा दरवाजा खुला है, हाँ आप आ जाओ। तो यमुना जी को भी भगवान द्वारकाधीश लेकर के आए हैं। यमुना जी कैसे हैं महाराज? अरे मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे उपाय करो करो यमुना जी रो पानी लागे रस से महारानी लागे पानी करो करो यमुना जी रो पानी लागे मीठे रस से भरियोड़ी राधा लागे जी महारानी लागे मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। हरि ताली की सेवा करते हुए हरि बोल।
बाजे तो कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे वृषनान की सोरी वृंदावन में धूम मचावे परिशादी किशोरी राधा गोरी रजे धनला की रजे धनला की पानी करो पानी ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागी जी महारानी लागे माने कारो कारो जमना सोच रहे हो कि कल भी महाराज जी कथा वाचन करेंगे तो ये बात फिर सपने में है। आज आज का ही दिन है, ध्यान रखना है। जितना आनंद लेना है उतना आज ले सकते हो। जानी दुनिया सारी सावरियों है से
राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। अर्जित की बाधा दूर करत है मनमोहन घनश्याम। अर्जित की बाधा दूर करत है मनमोहन घनश्याम। ताली के साथ हो राधा नाम में सफल। राधा बोली राधे राधे और जोर से बोलिए। भगवान द्वारिकाधीश का महाराज चौथा विवाह हुआ है यमुना जी का, अब हुआ है पांचवा। पांचवा विवाह हो महाराज मित्रविंदा के साथ में। छठा विवाह है महाराज नग्नजीत नाम के एक राजा थे, उनके यहां महाराज सात बैल हैं। इतने पराक्रमी हैं महाराज ये बैल। तो राजा ने कहा इन बैलों को एक साथ में जो नकेल देगा नत देगा तो महाराज मैं अपनी बेटी का विवाह उनके साथ में कर दूंगा। भगवान द्वारिकाधीश गए और नतकेल करके आ गए तो महाराज उनका विवाह हो गया छठा। छठा हुआ महाराज नग्नजीत के साथ में। सातवां विवाह हुआ मेरा द्वारिकाधीश का महाराज भद्रा के साथ में। और आठवां विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ में। पहला हो गया रुक्मणी, दूसरा जामवंती, तीसरा सत्यभामा और चौथा यमुना, पांचवा मित्रविंदा। हाँ नाम याद रखना। बच्चा कह वाला के महाराज मैं तो नाम याद को ना नाम ही भूल गया कहना। प्रेम से बोली राधे राधे। एक और पराक्रम राजा थे भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुए थे महाराज, इसलिए उनका नाम महाराज भौमासुर है। उस राजा ने अपने बल का दुरुपयोग किया क्योंकि उनके पास में धन अधिक था। कभी कभी ऐसा हो जाता है महाराज जिनके पास में धन ज्यादा होता है तो अपने धन का और अपने बल का दुरुपयोग करने लगता है। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया महाराज तो बड़े बड़े राजघरानों में जाता और राजकुमारियों का महाराज हरण करके लेके आता। मन में ये संकल्प ले लिया कि जब राजकुमारी 20,000 हो जाएगी तो मैं उनके साथ में विवाह करूंगा महाराज। लेकिन भगवान द्वारकाधीश तो पहले ही पहुंच गए, 20,000 हुई नहीं ना। 16,100 हुई और हमारे द्वारकाधीश वहां पहुंच गए। जाकर के इस भौमासुर का उद्धार किया महाराज द्वारकाधीश ने। अब सब ये कन्या कहने लगी कि महाराज अब जाएं तो जाएं कहां। कोई भी राजकुमार हमारे से विवाह नहीं करेगा और गलत रास्ते पे जाएंगे तो महाराज बदनामी हो जाएगी, तब क्या करना चाहिए। तब भगवान ने गीता में भी कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्म कर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं मुक्त कर दूंगा। और जब सब दरवाजे बंद हैं तो मेरे गोविंद का दरवाजा हमेशा के लिए
खुला हुआ है। तो ठाकुर जी कहने लगे कि वेलकम, हाँ पधारिए, हमारा दरवाजा खुला है आपके लिए। तो एक ही मुहूर्त में महाराज मेरे ठाकुर जी ने 16,100 विवाह कर लिए। तो कितने विवाह हो गए महाराज? 16,108 विवाह है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, भगवान की इतने विवाह है महाराज। 16,108 का मतलब क्या है? वेद में तीन कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ये सब मिलकर के भगवान की पत्नियां बनकर के आई है। परमात्मा के महाराज समय पाई है। उपासना का मतलब क्या होता है? उपसमी इति आसनम, उपासना में उस परमात्मा की उपासना करके उस ठाकुर के चरणों में वे गोपियां आ गई। और गोपियां तो यही कहना चाहती है महाराज, वह 16,108 है उनकी पत्नियां, कि आत्मा के जो सच्चे पति हैं तो महाराज द्वारकाधीश है, कृष्ण है, उनके अतिरिक्त महाराज को दूसरा पति नहीं है। और जो आठ प्रकार की प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति भगवान से विवाह किया है। प्रकृति किन के वश में है महाराज? परमात्मा के वश में है, इसलिए वह भगवान है, वह ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इसलिए महाराज भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, द्वारिकाधीश है, इतना बड़ा परिवार महाराज। 16,108 तो उनके महाराज पट रानिया है। लेकिन घर में कभी झगड़ा नहीं है, झगड़ा एक से ही होता है, सत्यभामा से। और आपना महाराज एक लुगई है तो ही प्रेम से बोलिए, आपने एक बिन्नी है तो कही है भाई ध्यान को ना, अपना भजन है ना, हाँ माला फेरा दो जना बैठे है ना, राम जी को नाम लो। अरे दो जना बैठन के करो बचा पाता करो है ना, प्रेम से बोली राधे राधे। भगवान के बड़े पुत्र है सुशील प्रद्युम्न, उनके महाराज दो विवाह हुए हैं। एक विवाह तो महाराज उषा के सातवा हुआ है, प्रद्युम्न जी के जो बेटे हैं महाराज उनका। प्रेम से बोली राधे राधे। अब महाराज भगवान का इतना बड़ा परिवार है, कोई ना कोई तो महाराज रूठते रहते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी कभी भी नहीं रूठती है। आपका किन्नी कौन है महाराज? कहीं भी आइटम न लाया, सामान न लाया तो मुंडो आपको देखभाल लायक रहे है। कि आपने मैं कहने भेजो ना कि बाजार में पधारिया, यदि आप मारा ये लेना जो सा, हाँ हर पचा आप रा सामान नहीं आवे तो महाराज वह टाइम चेरो आप रो एकदम फोटो खींचे जीशु रहे एकदम, हाँ कि जाने फोटो खींचना एकदम ताक में सजा दो आप रो फोटो। भगवान के यहाँ पर भी महाराज कोप भवन है, सत्यभामा अधिक जाती है लेकिन दूसरी रानियां नहीं जाती है। और आपना अटक कोप भवन बनाने की बिल्कुल जरूरत भी कौन है, अपन जी रूम में जावा उठी कोप भवन।
मंत्र से लगा करके हमारा संत्र तक सब रुक्मिणी जी की बड़ाई करते हैं कि हमारी जो रुक्मिणी मालकिन है महाराज कभी हमारे ऊपर क्रोध नहीं करती है। हर जीवन में याद रखना कि जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, क्रोध करने से महाराज क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। क्रोध में आदमी कुछ भी कर सकता है। जीवन में यह प्रयास करो कि कभी आपको क्रोध नहीं आए। अरे क्रोध भी आए तो बनावटी क्रोध, अंदर वाला क्रोध नहीं। जैसे आंसू भी दो प्रकार के होते हैं ना, ऐसे क्रोध भी दो प्रकार का होता है। एक तो अंदर वाला ने, एक बाहर वाला। तो आपको कौन सा क्रोध करना है? अंदर वाला? हाँ, बाहर वाला। प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान द्वारिकाधीश मन में विचार करने लगे कि देखते हैं कि रुक्मिणी जी को क्रोध आता है कि नहीं आता है। हाँ, रुक्मिणी जी के पास में आकर के द्वारिकाधीश बैठे। भगवान द्वारिकाधीश का महाराज मुख लटका हुआ था। अरे द्वारिकाधीश क्या हो गया, आज आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? लेकिन कुछ बोले नहीं। अरे प्रभु बोले नहीं, क्या हुआ आपके? मेरे से कोई गलती हो गई? क्या हो गया, आपका चेहरा लटका हुआ है? द्वारिकाधीश कहने लगे, रुक्मिणी जी एक गलती हो तो मैं बताऊं। गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती कर रही हैं आप, तो क्या बताऊं मैं? एक बताइए, क्या गलती हुई मेरे से? द्वारिकाधीश कहने लगे, रुक्मिणी जी आपने मेरे साथ में विवाह क्यों किया? अब छोरा छोरी विज्ञान पच्चे यह कह रहा द्वारिकाधीश। हाँ, प्रेम से बोले राधे राधे। हर आजकल के लुगाएं आती तो महाराज ठिकाना लगा देते हैं। हाँ, कि द्वारिकाधीश कह रहे हैं रुक्मिणी जी से कि आपने मेरे से विवाह क्यों किया? मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं कोई राजा नहीं हूं, मेरा स्वरूप भी अच्छा नहीं है, एक नंबर का मैं डरपोक हूं। तब आपने विवाह क्यों किया महाराज? देवी रुक्मिणी जी आपने विवाह क्यों किया? इतनी बातें हुई तब तक महाराज रुक्मिणी जी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। द्वारिकाधीश कहने लगे कि रुक्मिणी जी अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, आप चाहो तो मैं शिशुपाल को बुला करके आपका विवाह उनसे करा दें। जब यह बात कही तब तक महाराज रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गिरने लगी। तब तक भगवान मेरे द्वारिकाधीश ने चतुर्भुज रूप धारण किया, एक हाथ से पंगा लग करते हैं, एक हाथ से अपने रुक्मिणी जी को झेल रखा है। अरे रुक्मिणी जी क्या हुआ, रुक्मिणी जी क्या हुआ? पानी का गिलास पिलाए, रुक्मिणी जी व्यवस्थित हुई। हाँ द्वारिकाधीश, आप क्या कह रहे थे? आपने कहा था कि विवाह क्यों किया? आपने कहा कि मैं तो एक नंबर का चोर हूं, मैं कोई राजा नहीं हूं, मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है। तो बिल्कुल आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही प्रभु, आपने कोई गलत बात नहीं किया है आपने। अच्छा, रुक्मिणी जी जवाब देने लगी कि द्वारिकाधीश आप सबके माता पिता हैं, कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। प्रभु आप ही तो सब कुछ हैं।
और आपने महाराज ये भी कहा है कि मैं कोई राजा नहीं हूं, प्रभु आप राजा को तो आप ही बनाते हैं ना, बनने वाले और बनाने वाले तो प्रभु आप हैं, आपको कौन राजा बनाए। फिर द्वारकाधीश कहने लगे कि रुक्मणी जी बात तो सही है, आपने कहा था कि मैं काला हूं, तो गोविंद आप जब काले हैं ना इस तो आप दिल वाले हैं, हाँ, और यदि आप मतलब काले नहीं होते और लाला की जगह लाली हो जाते महाराज तो महाराज कुरोड़न के गले कट जाते हैं, अच्छा हुआ कि आप लाला हुए। ठाकुर जी इतने सुंदर है, मेरे गोपाल इतने सुंदर हैं। जो जो बात द्वारकाधीश ने महाराज पूछी है तो रुक्मणी जी उनका क्रम से जवाब देती जा रही है। खैर आपने कहा कि जो भीख मंगे होते जो साधु संत होते हैं वे मेरा नाम का आश्रय लेते हैं, तो गोविंद कहने लगे कि गोविंद कहते हैं देवी मेरा नाम तो वही सुमिरन करते हैं जो साधु संत हो गए हैं, घर से उनको निकाल दिया है। रुक्मणी जी कह रही हैं द्वारकाधीश सबसे बड़ा जो धन है वह गोविंद नाम का धन है, ठाकुर जी के नाम का धन है। कि सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन हो। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति गोविंद नाम की होनी चाहिए। कुंती महारानी ने भी भगवान से क्या मांगा था, दुख मांगा था। दुख क्यों मांगा, कि जब व्यक्ति के पास में दुख होता है तभी महाराज भगवान आते हैं, अरे सुख होता तो भगवान कभी नहीं आते हैं। दुख क्या है, कि दुख तो मानव की संपत्ति है, दुख से तू क्यों घबराता है। दुख तो मानव की संपत्ति है, दुख से तू क्यों घबराता है, दुख आएगा तो जाएगा, जाएगा तो सुख देकर। दुख तो क्या है महाराज, मानव की संपत्ति है। अरे हनुमान जी भी कहते थे ना महाराज, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, कह हनुमंत प्रभु सोही, जब तब सुमेर भजन न होही, जब तब सुमेर भजन न होही। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सो मेरन भजन न होई, जब तब सो मेरन भजन न होई। दुख तुम्हारा जी क्या है, मानव की संपत्ति है। दुख में व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए, दुख में व्यक्ति को कभी विचलित नहीं होना चाहिए महाराज। जब दुख आता है तो भगवान मानो के परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अपन लोग महाराज भगवान को ही गाली देने लगते हैं। एक यहां माताजी थे जो कह रहे कि भगवान ने मेरे साथ में बहुत गलत किया, पहले दिन उनसे मेरी भेंट हुई थी, लेकिन भगवान कभी किसी के साथ में गलत नहीं करते हैं। जो कुछ दुख मिल रहा है वे अपने
पूर्व के कर्म है। जो पूर्व में आपने जो कर्म किया है महाराज, उसको भुगतना ही आपको पड़ेगा। इसलिए तो महाराज गीता में भी भगवान बार बार यही तो आपको प्रेरणा देते कि आप कर्म करिए, कर्म करिए, कर्म करिए। जब आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छा काम करोगे, तभी तो महाराज आपको अच्छा फल मिलेगा। जब आप कर्म ही अच्छा नहीं करोगे तो फल कैसे अच्छा मिल जाएगा आपको। जीवन में यही प्रयास करो कि भगवान अपने परीक्षा ले रहे हैं, ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, द्वारिकाधीश परीक्षा ले रहे हैं, तो महाराज भगवान को गाली देने से कुछ नहीं होगा, ठाकुर जी को गाली देने से कुछ भी नहीं होगा। जो जवाब महाराज द्वारकाधीश ने रुक्मिणी जी से मांगा था, रुक्मिणी जी ने पूरा दिया है। भगवान कहने लगे कि रुक्मिणी जी, आप तो बड़ी ज्ञानी हैं, द्वारिका में भगवान अपने पूरे परिवार के साथ में रहने लगे हैं। भगवान का इतना बड़ा परिवार है, तो नारद जी महाराज के अंदर महाराज ये हुआ कि भगवान द्वारिकाधीश अपने पूरे परिवार के साथ में कैसे रहते हैं। नारद जी महाराज पधारे द्वारिका, द्वारिका में नारद जी ने प्रवेश किया। महाराज जाकर के देखते हैं तो भगवान द्वारिकाधीश अपने पुत्रों के साथ में महाराज खेल रहे थे। एक जगह अपने पुत्रों के साथ में द्वारिकाधीश भगवान खेल रहे हैं, दूसरी जगह जाकर के नारद जी ने जब देखा तो उनके पुत्र पढ़ रहे थे। तीसरी जगह गए महाराज तो क्या देखते हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। नारद जी सभी महलों में जाकर के आए महाराज। 16108 महाराज उनके विवाह हुए, तो अलग अलग कक्ष, अलग अलग रूम, सबका प्रेम से बोले राधे 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 राधे। सब जगह जाकर के महाराज घूम घाम करके आए नारद जी। तो नारद जी कहने लगे कि अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। प्रभु आप अनंत है, आपके गुण अनंत है, आपकी लीला भी अनंत है। प्रभु आप चाहे सो कर सकते हैं। प्रभु मैं तो ये देखने के लिए आया था कि आप अपने परिवार के साथ में कैसे रहते हैं, कैसे निवास करते हैं प्रभु। और आपको मैं ये कहने के लिए भी आया हूं कि पांडव यज्ञ करना चाहते हैं, तो द्वारिकाधीश एक बार आप चलते तो अच्छा रहता। द्वारकाधीश ने कहा कि मैं आने का प्रयास करूंगा, और नारद जी वहां से चले गए। अब महाराज भगवान द्वारकाधीश के महाराज एक और शत्रु है, पौंड्रक और काशी नरेश। महाराज ऐसे शत्रु हैं ये, उन्होंने एक प्लान तैयार किया कि आज द्वारिका में भगवान द्वारकाधीश का नाम बहुत हो रहा है, तो ऐसा किया जाए कि मैं भी पौंड्रक हूं काशी नरेश, दोनों मिलकर के महाराज एक योजना तैयार कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के स्वरूप को ही मैं बना लेता हूं। पौंड्रक ने महाराज
नकली दो हाथ और लगा दिए और एक लकड़ी का सुदर्शन चक्र बना दिया, बटन दबाते तुम्हारा चलने लगता। अरे एक दूत को भेजा और कहा कि जो आपके द्वारकाधीश हैं कृष्ण, ये तो नकली है, असली तो हम हैं। ये पत्र जब द्वारिका में आया, द्वारकाधीश को महाराज बड़ी हंसी आई पत्र को देख करके। महाराज बड़े हंसने लगे द्वारकाधीश कि महाराज आप तो नकली हो गए, असली तो अब दूसरे हुए हैं। भगवान द्वारकाधीश उद्धव जी को अपने साथ में लेकर के गए। अब महाराज पौंडरक डर गया और काशी नरेश तमाम से भग ही गए महाराज। अब क्या किया जाए, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। भगवान द्वारकाधीश जब वहां पहुंचे तो पौंडरक यहाँ क्या देखते हैं कि दो तो महाराज नकली हाथ बना रखे हैं, लकड़ी का सुदर्शन चक्र है चल रहा है, जैसे बटन दबाते तो चालू हो जाता है। भगवान द्वारकाधीश सोचने लगे कि इनको कौन से मैं मुक्ति प्रदान करूं, क्योंकि इसने मेरा बड़ा चिंतन किया है, मेरा बड़ा भजन किया है, तभी तो इसे ने दो हाथ और लगाए, सुदर्शन चक्र लगाया। भगवान द्वारकाधीश ने महाराज एक तमाचा मारा, पौंडरक का हो गया गोविंदाय नमो नमः। बोली द्वारकाधीश भगवान की, अब महाराज द्वारकाधीश पांडवों से मिलने के लिए महाराज हस्तिनापुर आए। पांडु ने जब द्वारकाधीश को देखा तो प्रणाम करने लगे। पांडव कहने लगे कि द्वारकाधीश हम यज्ञ करना चाहते हैं। अच्छा महाराज आप यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन आपने पूरे सम्राट को जीत लिया, पूरे राज्य को, सब राजाओं को जीता कि नहीं जीता आपने? महाराज सभी राजाओं को जीता, लेकिन एक राजा है मगध देश के, जो राजा जरासंध, उनको नहीं जीत पाए महाराज। तब आप यज्ञ कैसे कर रहे हैं महाराज? लेकिन महाराज वो तो बड़ा बलशाली है, कैसे जीता जाए उनको? कि चलो महाराज, द्वारकाधीश अर्जुन और भीम तीनों गए महाराज। एक तो महाराज ब्राह्मण का रूप बनाया, एक पंडित जी बने, और द्वारकाधीश तो महाराज ऐसे ही साधु के रूप में चले गए। जरासंध के वहां दरवाजे पर पहुंचे महाराज द्वारकाधीश। जब तीन ब्राह्मणों को महाराज जब जरासंध ने देखा तो आगे आया कि हाँ ब्राह्मण देवता, बोली क्या चाहते हैं आप? तो द्वारकाधीश क्या कहने लगे महाराज कि युद्धम न देहि राजेन्द्र द्वंद्वयसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयम् प्राप्ता राज्यान कांक्षिणः। हे जरासन, हमें धन दौलत तो और कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना चाहते हैं तो आप हमारे से युद्ध करने लगो। अब महाराज द्वारकाधीश कहने लगे, द्वारकाधीश से कहने लगे महाराज जरासंध कि महाराज ब्राह्मण होकर के युद्ध की कामना रखते हो? कि आप कौन हो? कि महाराज भगवान द्वारकाधीश जब हंसते हैं ना तो उनकी हंसी से महाराज पता लग जाता है कि ये है कौन। मैं तो वासुदेव जी का पुत्र कृष्ण हूं। अब तो जरासंध महाराज ढीला हो गया एकदम कि यदि इनसे मैं लड़ा 17 बार तो महाराज इनसे मैं हार चुका हूं, कि आपसे तो मैं नहीं लड़ूंगा। और 18वीं बार ब्राह्मणों ने जब पूजा पाठ में बिठाया है तब ये जरासंध जीता है। तो क्या कहने लगा
कि आपसे मैं युद्ध नहीं करूंगा महाराज जी। हर इनका क्या नाम है महाराज जी? अर्जुन है और भीम। अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा मैं, ये तो महाराज डेड हड्डी के हैं, तो इनसे करूंगा महाराज। ये हमारे समान बलशाली हैं। अब तो महाराज भीम के अंदर अभिमान आ गया, देखो तुम दोनों को तो इस जरासंध ने फेल कर दिया और हम पास हो गए यहाँ पे। अब युद्ध होने लगा महाराज। जरासंध भी महाराज बड़ा बलशाली है, युद्ध करते करते महाराज भीमसेन की महाराज नस नस ढीली कर दी। जब नस नस ढीली हो गई, शाम के समय विश्राम करने के लिए आए अपने शिविर में महाराज, तो भीमसेन कहने लगे द्वारकाधीश से कि प्रभु अब तो युद्ध नहीं होता है, मैं तो हार गया हूं, और यदि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे तो मैं भग जाऊंगा, लेकिन अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तो महाराज पहाड़ के समान है, तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान द्वारकाधीश कहने लगे कि ऐसा करना, तू युद्ध करना और उसको बीच से चीर करके विपरीत दिशा में फेंक देना। तो महाराज भीमसेन गए पुनः युद्ध करने के लिए, तो महाराज जरासंध को चीरा और विपरीत दिशा में फेंक दिया और उनका उद्धार कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। पांडवों को लेकर के महाराज आए कि चलो अब आप यज्ञ करो। महाराज अभी यज्ञ करें तो महाराज यज्ञ में सबसे पहले पूजा किनकी हो? नकुल और सदैव कहने लगे कि सबसे पहले पूजा तो महाराज द्वारकाधीश कृष्ण की होनी चाहिए। तब तक शिशुपाल आ गया, भगवान को 101 गाली दी महाराज। भगवान द्वारकाधीश ने महाराज सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का भी उद्धार कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब महाराज यज्ञ की भूमिका बनी है, हर यज्ञ हमेशा करना चाहिए। पांच तरह के पाप प्रत्येक जीव से हो जाते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। महाराज जैसे झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते समय भी क्या होता है, जीव हिंसा हो जाती है। तब महाराज उसका भी प्रायश्चित करना चाहिए। चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं तब भी पाप हो जाता है। जो मटके में जो पानी भरा रहता है उसके जो नीचे, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसके जो पानी नीचे रखा हुआ है उसमें अनेक जीव जंतु मर जाते हैं। तो महाराज हमारे जीशु ने महाराज पांच तरह के यज्ञ बता रखे हैं। पहली रोटी बने तो महाराज गौ माता के लिए, और जो अंतिम में जो रोटी बचती है किन के लिए? अब महाराज को मुंडो देखभाल आया जाए। अच्छा हाँ, भगत जी के लिए। गौ माता ने महाराज पहली रोटी कोई देवर हाथ खड़ो करो देखा नहीं एक बाली। पहली रोटी हकते रोटी, पहली रोटी महाराज जो सिक जाए वह गौ माता के लिए होनी चाहिए। आपने कालू यो नियम बना लेनो, अरे श्राद्ध भी प्रारंभ ही गया है, जिगो आपने डबल फायदो महाराज। पहली रोटी
किनके लिए? जोर से बोलो ना। हाँ, और अंतिम में जो रोटी बचे पग जी के लिए, कुत्ते के लिए। लेकिन कितने कही है वह? साहब ने कहीं ड्यूटी पे जाना होगा। हाँ, सुबह जल्दी जाना हो ड्यूटी पे, या मारसाना पटाबा जाना हो तो महाराज रोटी बन गई कि चलो टिपर पैक करो या भोजन कर लो। तो महाराज जो गोमाता की रोटी थी तो किनके पैक कर दी? ना करो आप, ना करो आप, तो सब होशियार हो। प्रेम से बोली राधे राधे, आप नहीं करो मैं ना करूं। पहली रोटी तो महाराज उन साहब को पैक हो गई, और अंतिम में जो रोटी बचती है तो वह आपा जेम कह दिया। तो पचक कही अभी जो आप ही जान लो कही रह गए। गाय की रोटी तो खा दी महाराज साहब, हर अंतिम की रोटी खाती बच्चा आपा। बच्चा महाराज झगड़े हो तो जीते कोई? प्रेम से बोले राधे राधे। कोई जीता बच्चा? आपा। आप नाग नीचो नारायण चला ना, लेकिन महाराज यह शास्त्रों का नियम है। भोजन बना है गोमाता को रोटी, और थोड़ी सी उसमें शक्कर घी डाल करके चूल्हे में भी भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। पांच तरह यज्ञ का महाराज आपको फल मिलेगा, और आपके घर में कभी पितृ दोष नहीं रहेगा। जिन घर में महाराज पितृ दोष रहता है तो एक तो उनके कभी संतान नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरा कि जितना भी धन कमाओ पैसा घर में कभी टिकेगा नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे। तीसरी बात यह है ज्यादातर एक्सीडेंट होना ना। व्यक्ति अकाल मृत्यु में मर जाना महाराज, हाँ एक्सीडेंट होना। और दोनों जने में कभी बनती नहीं है, उन घर में भी महाराज पितृ दोष होता है। तो श्राद्ध पक्ष प्रारंभी हो गया है, अपने पितरों के निमित्त आप सब बैठे हुए हैं, सभी अपने पितरों को याद करना कि उनका कल्याण हो जाए, उनका मोक्ष हो जाए। और नियम बना लेना 15 दिन तक, जब रोटी बन जाए पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी पक्षों के लिए, और अंतिम है भक्तों के लिए। ये तीन काम अपने रोज आप चालू कर देना। कौन कौन करेंगे नियम से? हाँ, और महाराज पितरों का जो स्थान होता है पीपल, पीपल के नीचे होता है। जो व्यक्ति पीपल के पास नित्य जाकर के पूजा करता है तो उनके घर में कभी पितृ दोष नहीं होता है। लेकिन एक दिन नहीं जाना है, संडे के दिन, इतवार के दिन आपको पीपल के पास में नहीं जाना है, क्योंकि संडे के दिन दरिद्रता का निवास होता है पीपल के नीचे। पीपल साक्षात विष्णु स्वरूप है, विष्णु स्वरूप। समझ में आ गया आपके? अरे पितृ के निमित्त आप
भगवान से प्रार्थना करना जो अधोगति में गए हैं कि भगवान उनका आप कल्याण करना, उनको मोक्ष प्रदान करना। और पितरों के लिए तो महाराज शास्त्रों में यह बताया है कि भागवत के अतिरिक्त दूसरा कोई उपचार नहीं है। भागवत का मूल पाठ आप कर करके उन पितरों को सुना दो तो उनका मोक्ष होगा। आप कितने भी गया जी में भी श्राद्ध करके आ गए, जब तक आपने भागवत का गीता का पाठ नहीं सुनाया है ना, तब तक पितरों का मोक्ष होने वाला नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे। ये बात समझ में आ गई ना आपको? पूरा नियम कोई कोई कह रही है, हाथ खड़ो कर दो। अब महाराज को मुंडो देखो, दो मिनट होती है। काकी आपा तो कथा सुनी टिनू हर बाची निकल गई जू तो भगवान आपने दो कान दे दा है ना। बच्चा कहो कि महाराज यह बात समझ में नहीं, किसान के करनी छावक है। ये पितरों के लिए महाराज एक ये उपाय करना आप जो मैंने बताया आपको पहले। अब महाराज यज्ञ प्रारंभ करने लगे तो महाराज सबसे पहले महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है दान की, तो दान के लिए महाराज दुर्योधन को खड़ा किया, क्योंकि महाराज दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि जितना दान करते थे उतना धन बढ़ता है। दुर्योधन और कर्ण को महाराज दोनों को यह चीज संभलाई है कि यज्ञ में आप जितना हो उतना आप दान करिए। और महाराज दूसरा काम संभलाया है भोजन भंडार का भीमसेन को, क्योंकि महाराज जो ज्यादा खाता है वही खिला सकता है। एक फूल का खबा वाला हर वाने यदि पुरकारी के लिए अपा कहना कि आप पुरकारी करो तो एक पूड़ी रखी कि और आप क्या रखो सा पूड़ी और लेवो सा। महाराज जो ज्यादा खाता है वही ज्यादा खिला सकता है। द्रौपदी जी और भीमसेन जी दोनों सभी को भोजन करा रहे हैं, जो भी अतिथि गण आते हैं सब उनको भोजन कराते हैं महाराज सभी लोगों को। भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे कि अब मेरी ड्यूटी कि महाराज जितने भी आ रहे हैं सबके महाराज चरण धोने का काम पैर धोने का काम द्वारिकाधीश कर रहे हैं, और आपने दुपट्टे से पूछ देते हैं द्वारिकाधीश भगवान जो भी संत महात्मा आ रहे हैं। उस यज्ञ में महाराज दुर्योधन आने लगा, महल में प्रवेश करने लगा, उसको जल का आभास हुआ तो द्रौपदी ने क्या कहा, जल का आभास कर हुआ तो महाराज दुर्योधन गिर पड़ा। जब दुर्योधन गिर पड़ा तो द्रौपदी कहने लगी कि अंधा का तो अंधा ही होता है। प्रेम से बोले राधे राधे। तब यह महाभारत युद्ध हुआ है। भगवान कृष्ण समझाने लगे लेकिन दुर्योधन ये आदि नहीं माने कि महाराज उनको कहते हैं कि पांच राज्य इनको दे दो, लेकिन सूचा नहीं ग्रही बदाश्यामी बिना युद्धेन केसर, एक सुई के नोक के बराबर में मैं इनको दान में नहीं दूंगा। जब ये महाभारत युद्ध हुआ है सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारा जन्म ही इस वंश में पांडु वंश में हुआ है, लेकिन तुम्हारे ऊपर तुम्हारा जो गोविंद की द्वारिकाधीश की बड़ी कृपा है जो अपने माँ के गर्भ में भी आपको मेरे प्रभु मेरे ठाकुर द्वारिकाधीश दर्शन देने के लिए आपको पधारे हैं।
परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव हित तो मेरे ठाकुर की मेरे महादेव की बड़ी कृपा हुई है, तभी तो महाराज गोविंद की कृपा से आज मैं सातवें दिन की कथा सुन रहा हूँ। बाकी मैं एक संत का अपमान करने वाला इतना दुष्ट कैसे भगवान की कथा मेरे गोविंद की कथा सुनता मैं। इसलिए जीवन में अधिक प्रयास करो कि जितना सत्संग मिले, जितना भजन मिले, जितनी कथा मिले, जहां कहीं कथा हो रही है महाराज। अब मां का यह बहन जी रोज ड्यूटी पकानी, ड्यूटी पकान पचा पाचे कथा सुनवाना पदानो, यह भी ठाकुर जी की बड़ी कृपा। बाकी तो आलस आ जावा के महाराज पैदल पैदल चाल न कथा मानो मां का। कोई हाथी पुरु पधारिया, कोई कबरडू पधारिया, कोई कुटू पधारिया, मां के एक मतलब लालसा है, एक प्यास है कि ठाकुर जी की कथा सुननी माने। ईशान सत्संग की आस है नी चावे, जदिस आपरो कल्याण है। बाकी महाराज मोगला नोट कमालो के कल्याण है बालो कौन है, सूरत में मोगले मोटे मोटे गड्ढा रखो तो भी कल्याण है बालो कौन है महाराज। प्रेम से बोली राधे राधे, भगवान से मिलने का महाराज एक ही है उपाय है सत्संग, भगवान का भजन। श्याम तुझे मिलने का सत्संग, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। परम पूज्य महाराज जी राम दुलारे जी महाराज जी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है कथा में महाराज संतों का पधार। अरे सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवर से मिलने का पाया है, मथुरा में ढूंढा तुझे और गोकुल में पाया, बड़े भाव के साथ में वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सतगुरुदेव भगवान की अरे ओढ़े चुनरिया में तो गई रे सतसंग में,
में तो कई सत्संग में। ए मारो सावरियो भी गोई रे भाने गेरा गेरा रंग में। बोले राधे राधे और जोर से बोले और जोर से बोले। परम पूज्य गुरुदेव पधारे हैं राम दुलारे जी, बड़ी कृपा है। महाराज जी जब वृंदावन में रहते थे जब हम छोटे थे, महाराज जी के चरणों में रहे हुए हैं, महाराज जी का आशीर्वाद भी मिला हुआ है वृंदावन में। संत हृदय नवनीत समाना कहा कवि न पर कह ही न जाना। महाराज संतों का तो हृदय बड़ा कोमल होता। महात्मा जी आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। कहने का अभिप्राय महाराज, जिस व्यक्ति को सत्संग मिल जाता है, स्वर्ग सत्य च केला से वैकुंठम नास्ति रसया है। ये जो रस है ये कथा है महाराज, वैकुंठ में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। जो आनंद आप ले रहे हैं सोडास की धरती पर बैठ करके, ऐसा आनंद महाराज स्वर्ग में नहीं है।
यह सब सुख आनंद मस्ती सब इस पार्क भूमि में मृत्यु लोक में है। दाता ओकम जू ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा भगवान हरि की कथा सुनो, ठाकुर जी की कथा सुनो। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है कि मैं संतों का अपमान कर के बैठा हूं, लेकिन अपने जीवन को अब मैं भटकने नहीं दूंगा, अब मैं अपना कल्याण करके ही रहूंगा मैं, इसलिए अब मुझे कोई चाह है नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारा जन्म भी इसी वंश में हुआ है। भगवान द्वारकाधीश ने महाराज एक तरफ तो कहा कि मेरी सेना रहेगी नारायण सेना, एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन जिस तरफ मैं रहूंगा मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन कहने लगा कि जब आप रहोगे एक तरफ, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे तो आपको लेकर के क्या करें। लेकिन पांडु ने कहा कि द्वारकाधीश आप हमें चाहिए, हमें और कोई सेना नहीं चाहिए और दूसरा कोई धन नहीं चाहिए, क्यों महाराज सबसे बड़ा जो धन है वह गोविंद नाम का धन। मेरा जी ने भी कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गोविंद नाम का धन होना चाहिए, मेरे ठाकुर जी के नाम का धन होना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा महाराज। एक बार मेरे द्वार का अधीश ने महाराज सुदामा जी के ऊपर भी कृपा की है। सुदामा जी का चरित्र इतना अद्भुत चरित्र है महाराज जी। सुदामा जी को लोग क्या कहते हैं कि सुदामा जी मांग खाते थे, भीख मांगते थे, भीख मंगा है, लेकिन भागवत के अंदर कभी ऐसा शब्द नहीं आया है। सुदामा जी के पास रहने के लिए मकान नहीं है, यह सत्य है। सुदामा जी के पास जितने बर्तन है घर में महाराज कोई बर्तन साबुत नहीं, यह सत्य है, लेकिन यह सत्य नहीं कि सुदामा जी घर घर मांग खाते थे, ऐसा भागवत में वर्णन नहीं आता है। सुदामा जी दरिद्र कभी नहीं थे महाराज। दरिद्र व्यक्ति किसको कहा जाता है? जो असंतुष्ट है, असंतुष्ट व्यक्ति को दरिद्र कहा जाता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कृष्ण स्यात् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् वृत्त इंद्रियार्थेषु प्रसंत आत्मा जितेंद्रियः। प्रसंत आत्मा है महाराज, अपने इंद्रियों में ही महाराज रमण करते हैं सुदामा जी महाराज। भगवान द्वारकाधीश सोचने लगे कि ये जो मेरा मित्र है सुदामा, ये मेरे पास में आने वाला नहीं है। तब ऐसा क्या किया जाए कि ये सुदामा मेरे पास में मिलने के लिए आ जाए महाराज। एक साधु का रूप धारण किया मेरे द्वारकाधीश ने, प्रेम से बोले राधे राधे। द्वारकाधीश ने एक साधु का रूप धारण किया और सुदामा जी के दरवाजे पर महाराज मांगने के लिए गए कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सुदामा जी की पत्नी निकल करके आई कि यहां महाराज भिक्षा लेने के लिए आए महात्मा जी। सुशीला बाहर आई, सुशीला के आंखों में महाराज आंसू आ गए। महात्मा जी से सुशीला कहने लगी कि महात्मा जी मेरे घर में कुछ देने के लिए नहीं है, मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है?
सूतक लगा हुआ है। अच्छा, किसी जातक का जन्म है? हाँ महात्मा जी, जातक का जन्म है। किसने जन्म लिया? कि दरिद्रता ने जन्म लिया, जो लेना देना सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे घर में कुछ है नहीं महात्मा जी। तब महात्मा जी क्या कहने लगे कि आपके सुदामा जी के जो मित्र हैं वे द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, एक बार यदि आप सुदामा जी को द्वारिकापुरी भेज देते तो महाराज इतना धन देते जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ फैला करके मांगना नहीं पड़ता। महाराज प्रेम से बोले राधे 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 राधे। अब तो सुशीला आई और सुदामा जी से कहने लगी कि प्रभु आपने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि आपके मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण है। अरे ऐसे हमारे कोई मित्र मंत्री संतरी हो तो महाराज अपन न जाने कितने गांव वालों को बता देते हैं कि मेरी पहुंच उस मंत्री तक है, मेरी उस संतरी तक मेरी पहुंच है। मैं एक फोन घुमाऊं तो उस मंत्री के पास में जाए मेरा फोन उठाना पड़ता उसको, मेरी इतनी पहुंच है। लेकिन ये बात सुदामा जी अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताई कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण है। जब द्वारिकाधीश का नाम लिया महाराज, सुदामा जी की आंखों में महाराज आंसू आने लगे। सुशीला कहते हैं कि आप जाइए और कुछ धन मांग करके लेके आइए। तब तो सुदामा जी ने मना कर दिया कि देवी जी मैं मांगने के लिए कृष्ण के पास कभी नहीं जाऊंगा, मैं कभी मांगने के लिए उनके पास में कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला कहने लगी आप मांगने मत जाइए, एक बार आप जाइए ऐसा करके दर्शन करके आइए। सुदामा जी को याद आया कि मैं अपने मित्र के पास में तो जाऊंगा लेकिन क्या लेकर के जाऊंगा, ऐसी कौन सी वस्तु लेकर के जाऊं, मैं अपने मित्र के पास में जा रहा हूं, मेरे द्वारिकाधीश के पास में जा रहा हूं। अब घर में कुछ सामग्री नहीं है महाराज, कुछ सामान नहीं है, क्या लेके जाऊं मैं अपने मित्र के यहां। सुशीला गई महाराज और पड़ी उससे महाराज चार मुट्ठी तंडुल चावल मांग करके लेके आई। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। क्या लेकर के आई? चावल। अब महाराज घर में कोई कपड़ा नहीं है, इतनी गरीबी है सुदामा जी के यहां, तो महाराज इतना जीर्ण शीर्ण कपड़ा था, इतना पुराना कपड़ा था, जगह जगह फट रहा, जगह जगह फट रहा महाराज। उसको व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करने के बाद में महाराज उसमें चार मुट्ठी चावल तंडुल बांध दिए। तो सुशीला ने कहा कि लीजिए सुदामा जी ने वे महाराज चावल की जो पोटली थी अपने हाथ के नीचे दबा करके निकले हैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब सुदामा जी धीरे 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 निकल रहे हैं अपने घर से। महाराज धोती अनेक जगह से फटी हुई है, पैरों के अंदर महाराज कोई चप्पल नहीं है, कोई चरण पादुका नहीं है। और धीरे 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 महाराज चल रहे हैं। कहां जा रहे हैं सुदामा जी? कड़ा होडास जा रहा। प्रेम से बोले राधे राधे। और चल रहे हैं द्वारिका, चलते चलते महाराज सुदामा जी कभी तो गिर पड़ते हैं महाराज, थक जाते हैं। पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं?
बेटा मैं भगवान द्वारिकाधीश से मिलने जा रहा हूँ। मुझे कौन खिलाएगा? मुझे भूख बहुत लग रही। बेटा देख, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा और तेरे लिए द्वारका से बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाइयां, धन और धन धान सब लेकर के आऊंगा। आज मत जो। पिताजी मत जो। हे बेटा, बनवारी लाल का अच्छा एक राम रसोड़ा लगा हुआ है। उन्होंने कहा था कि सभी अनाथ बच्चों को वहाँ पर भेज देना, जो वहाँ पर हमने अच्छी अच्छी रोटी खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, वहाँ पर चले जाना। मैं शीघ्र ही जल्दी से जल्दी आ जाऊँगा। ओ बेटा। और महाराज सुदामा जी जा रहे हैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। चलते जाते हैं और महाराज हाथ में माला लेकर के खाते जा रहे हैं। हरे कृष्ण दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी का नाम दूर नगरी, वो कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, इकली आऊं तो काना डर मोहे लागे, इकली आऊं तो काना डर मोहे लागे, आऊं तो काना डर मोहे लागे, इकली आऊं तो काना डर मोहे लागे, नहीं सकी संग आऊं तो सकी संग आऊं तो, एक सारी नगरी बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, रात में आऊं तो शाम डर मोहे लागे, रात में आऊं तो शाम डर मोहे लागे, ओ दिन में आऊं तो रे, दिन में आऊं तो देखे सारी
धीरे धीरे चालू काना कमर मोरी लचके धीरे धीरे चालू तो कमर मोरी लचके धीरे धीरे चालू शब कमर मोरी लचके धीरे धीरे चालू शब कमर मोहे लचके झटपट चालू तो रे झटपट चालू तो छलकाए कैसे आओ रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी द्वारकाधीश भगवान की प्रेम से बोले राधे राधे महाराज सुदामा जी सुबह से उस घाट पर बैठे हुए हैं प्रेम से बोले राधे राधे दोपहर हो गया एक बजी दो बजी तीन बज गई लेकिन सुदामा जी के पास महाराज कोई पैसा नहीं है जब व्यक्ति के पास में जब धन नहीं होता है पैसा नहीं होता है तो उस व्यक्ति से पूछना कि उसे दुख कितना होता है उसे कितनी तकलीफ होती है कभी कभी कोई लोग सब घूमने के लिए जाते हैं और जिस जो व्यक्ति गरीब है उसके पास में महाराज कुछ पैसा नहीं है तब उसकी परिस्थिति को आप समझना है। अब सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं इस नदी को पार करूं तो कैसे करूं कुछ पैसा है नहीं तब तक महाराज नाविक का धूप बना करके मेरे द्वार का अधीश आए कि चलो महाराज कहां जाना है आपको कि महाराज आपको कहां जाना है मेरे को द्वारिका जाना है द्वारिका नगरी जाना है जो द्वारिका देश जो कृष्ण है फिर मेरे मित्र है तो महाराज नंगाड़े बजने लगे शंख बजने लगे आरती की आवाज सुनाई पड़ी महाराज कई आरती हो रही है कई आरती हो रही है सुदामा जी उठ करके इधर उधर देखते हैं तो अरे भैया मैं कौन सी जगह आ गया अरे भैया मैं कौन सी जगह आ गया लोग कहने लगे अरे बाबूजी ये तो महाराज द्वारिका की नगरी है द्वारिका में आ गए अच्छा अच्छा मैं द्वारिका आ गया हूँ मैं द्वारिका आ गया हूँ अच्छा तो मेरे कृष्ण मुझे जल्दी ही मिल जाएंगे नींदरा नींदरा खुली पयो पर बात हो सुदामा पूछन लाया बात हो द्वारिका ईश कृष्ण राजा बाज रया छति सुबाजा द्वारिका Come on.
भैया, अरे ये द्वारिका है, जब तो मेरी कन्हैया की नगरी आ गई है। अरे बताओ बताओ मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। द्वारपालों से महाराज वहाँ पहुँच गए हैं, द्वारिका की नगरी के बाहर है और द्वारपाल खड़े हैं, उनसे महाराज पूछने लगे हैं सुदामा जी। अरे मेरा कन्हैया है यहाँ? कोई कन्हैया नहीं है। मेरा लाला कन्हैया यहाँ नहीं है? कन्हैया कोई कन्हैया नहीं है। तो यहाँ के राजा कौन है? द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी। अच्छा, वो कृष्णचंद्र जी, अरे वही तो मेरे मित्र हैं। अरे पागल देख, ये तेरे मित्र हो सकते हैं क्या? भिखारी काई का चला जाए यहाँ से, भगवान का मित्र बन रहा है। अरे भैया, द्वारकाधीश तो तीनों पर दया करने वाले हैं, जाकर आप उनसे कहिए कि वो सुदामा नाम बता रहा है और आपका मित्र है। महाराज जो दो पार्षद हैं कहने लगे कि अभी अभी हमारे प्रभु भोजन कर करके विश्राम करने लगे, अभी अभी समाचार मिला है, लेकिन आप आए हैं तो एक बार मैं उनसे जाकर के कहता हूँ। और महाराज वे जो अर विजय गए अंदर भगवान के सामने, महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आपके विश्राम में हम दृष्टि डालने के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण देवता आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो उनका स्वरूप कैसा है महाराज? किसी सपगान जगातन पे प्रभु जाने को आई बसे कहीं ग्रामान, धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी और पाय उपायन की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रयो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपाल क्या कहने लगे महाराज? अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दरी पे सुदामा गरीब आ गया है, दरी पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल लेके करीब आ गया है, तुम्हारे महल लेके करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, प्रेम से बोले राधे राधे। महाराज जैसे ही सुना है कि मेरा मित्र
सुदामा आया है। तब तक महाराज द्वारकाधीश द्वारकाधीश भगवान की। महाराज जिसने सुना है कि महाराज मेरा मित्र सुदामा आया है, द्वारकाधीश दौड़ पड़े महाराज, कभी दुपट्टा नीचे गिरता है लेकिन दौड़े चले जा रहे हैं, मेरा मित्र आया है। प्रद्युम्न आदि जो भगवान के जो पुत्र है महाराज, कहने लगे अपने उन जय और विजय से, ऐसा कौन सा मंत्री यहाँ आया है? अरे महाराज कोई मंत्री नहीं है आया है, एक दीनहीन ब्राह्मण आया है। तो द्वारकाधीश कृष्ण इतने दौड़ करके कहाँ गए हैं? महाराज उनसे मिलने के लिए गए हैं। जब देखा है महाराज द्वारकाधीश कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा को गले लगाया, महाराज गले लगा करके अंदर लेकर के आए। ये दृश्य महाराज भगवान की जो पटरानी है रुक्मणी आदि सत्यभामा आदि महाराज ये दृश्य देख रहे हैं। ऐसा दीनहीन मेरे द्वारकाधीश गले लगा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं महाराज। सुदामा जी को बिठाया और रुक्मणी आदि को कहने लगे कि आप जल लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, मैं अपने मित्र सुदामा के चरण धुलाना चाहता हूँ। महाराज जैसे ही मेरे द्वारकाधीश सुदामा जी के चरण धुलाने लगे तो महाराज कितिक सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी जी पानी लेने के लिए गई लेकिन सुदामा जी के महाराज वे दीन दशा देखी है, चरणों के महाराज अनेक कांटे लगे हुए हैं। महाराज जहां कांटे लगे हैं सुदामा जी के चरणों में तो खून निकल रहा है। महाराज मेरे द्वारकाधीश कृष्ण इतने रोए हैं, इतने रोए महाराज। रुक्मणी जब पानी लेकर के आई तब तक महाराज मेरे द्वारकाधीश कृष्ण ने आंखों के आंसू से ही महाराज सुदामा जी के चरण धो दिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। पैर धोने के बाद में सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया द्वारकाधीश ने। बिठाने के बाद में महाराज मेरे द्वारकाधीश कृष्ण उनके चरण में बैठ गए। भगवान ने आदेश दिया कि सुदामा जी के लिए सुंदर भोग लेकर के आओ, भोजन लेकर के आओ। थाल सज करके आया है सुदामा जी के लिए, 56 प्रकार के महाराज व्यंजन सुदामा जी के सामने रखा महाराज। लेकिन सुदामा जी क्या कह रहे हैं, कन्हैया ज्यादा पकवान खाने से बुद्धि खराब हो जाती है, ज्यादा पकवान नहीं खाने चाहिए। मैं तो अपने घर में सुबह जो भोजन मुझे मिलता है थोड़ा सा उसमें नमक मिर्ची डाल करके ही मैं भोजन कर लेता हूँ, मैं ज्यादा व्यंजन नहीं खाता हूँ, ज्यादा व्यंजन खाने से बुद्धि खराब हो जाती है। द्वारकाधीश कहने लगे कि सुदामा तू सचमुच में तू भोला है। देखो सुदामा ये भोजन इसे प्रसाद मान करके ग्रहण करो,
तब तुम्हारी बुद्धि कभी खराब नहीं होएगी। सुदामा जी ने भोजन किया महाराज। भोजन करने के बाद मेरे द्वारकाधीश चरणों में बैठ करके सुदामा जी के चरण दबाने लगे और अपने बचपन की जो बात है वे याद कर रहे हैं। देखो कि बचपन में गुरुकुल में जब अपन पढ़ते थे तो गुरुजी ने एक बार संहिता लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजा, लेकिन कितनी जबरदस्त बारिश हो रही थी। गुरुजी ने कुछ खाने के लिए दिए थे लेकिन सुदामा जी बात पलट देते हैं महाराज। अपनी दूसरी ओर बात करने लगते हैं, बात को टाल देते हैं। भगवान द्वारकाधीश अपने जितने भी पटरानिया है महाराज उनको क्रम से कहने लगे कि वो महात्मा जी आए हैं, ब्राह्मण देवता अपने दरवाजे पर आए हैं, उनको प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो। बोली द्वारकाधीश भगवान की, प्रेम से बोली राधे 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 राधे। सभी रुक्मणिया सब रानिया प्रणाम करो। अब महाराज द्वारकाधीश ने कहा कि सभी आकर के सुदामा जी का आशीर्वाद लो। अब महाराज पहले रुक्मणी जी आई तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया महाराज। पति प्रिय भव, सौभाग्यवती भव। अरे काना ये बता कि ये आ करके मेरे को प्रणाम कर रही है, ये सब कौन है? तुम्हारी बता, तुम्हारी भाभी तो है। अरे बाप, मेरी भाभी है? हाँ? कन्हैया बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक है। हाँ हाँ मैंने भी शादी की। मेरा भाभी का नाम क्या है? भाभी का नाम सुशीला। अच्छा तो कान्हा ये बता, ये अभी आदि मेरे को प्रणाम नहीं कर पाई है और पूरे भीलवाड़ा जिले की जितनी माता बहने हैं उतनी तो तेरे एकले के ही रानियां हैं, है? अगर ये सब मेरे को प्रणाम करेगी तो मेरे हाथ भी दुखते दुखते टूट जाएंगे। अगर फिर बाद में ये अगर मेरे को खिलाने लग जाएगी, एक लड्डू खाना पड़ेगा, एक जलेबी खानी पड़ेगी, एक कलाकंद खाना पड़ेगा, एक इमरती खानी पड़ेगी, तो मैं खाता खाता तो पूरी जिंदगी यार मेरे छोरे छोरी सुशीला ही वहाँ पर भटक जाएंगे। इसलिए ऐसा कर काना, तू प्रणाम कर ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा, सबको आशीर्वाद लग जाएगा। और महाराज से सुदामा जी ने कहा कि द्वारकाधीश आप मेरे चरणों में प्रणाम करो तो मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा। तो महाराज सुदामा जी ने द्वारकाधीश को आशीर्वाद दिया है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब महाराज द्वारकाधीश कहने लगे कि आपने जब विवाह किया है तो मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है? लेकिन फिर सुदामा जी अपनी बात को टाल देते हैं। सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि मेरे ठाकुर 56 भोग जीने वाला, अनेक व्यंजन खाने वाले हैं, मैं ये चावल लेकर के आया हूं तो मैं इन द्वारकाधीश को चावल कैसे खिलाऊं महाराज? लेकिन भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोया यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने गीता में कहा है कि भक्त मुझे पत्र पुष्प जल चढ़ा देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, और भगवान ने तो कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजता तो भव से बेड़ा सुदामा जी ने कुछ समझा दिया द्वारकाधीश ने। फिर पूछने लगे द्वारकाधीश कि सुदामा जी मेरे भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। हे भगवान क्या करूं, ये 56 भोग जीमने वाले मेरी पत्नी सुशीला 4 घरों से थोड़े थोड़े चावल मांग करके लाई, और जो आज इनको मैं कैसे खिलाऊं और कैसे देऊं कि तेरी भाभी ने ये भेजा है। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं, कुछ तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी वहां पर महाराज झूठ बोलने लग गए। मेरे से छुपा रहा है क्या? अब महाराज जैसे ही जब से सुदामा जी आए थे तो हाथ उनका ऐसे, तो द्वारकाधीश पूछने लगे सुदामा जी से कि आप जब से आए हैं तो हाथ को ऐसा क्यों कर रखा आपने? तो सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया क्या बताऊं, बहुत दूर से मैं आया हूं तो मेरा यह हाथ दर्द करने लग गया है, तो मैं इतने देर से पैर क्यों दबा रहा हूं? चलो आपका दर्द तो हाथ कर रहा है तो मैं हाथ को दबाने लगता हूं। जैसे महाराज द्वारकाधीश खड़े हुए और महाराज सुदामा के हाथ को खींचा तो तब तक महाराज वह चावल की पोटली निकल गई। बोले द्वारकाधीश भगवान की। महाराज जिस चावल की पोटली निकली है इतनी जिन शीर्ण थी महाराज, अनेक जगहों से वह महाराज फटी हुई थी। देख करके महाराज मेरे द्वारकाधीश के आंखों में आज आंसू आ गए हैं। मेरे मित्र के घर में महाराज ऐसा कोई कपड़ा भी साबुत नहीं है, कितना फटा हुआ है कपड़ा। जब उन तांडल को देखा, चावल को देखा महाराज, तो मेरे गोविंद बड़े रोने लगे। कोई सफेद है, कोई काले हैं, कोई टूटे हुए हैं महाराज, अलग अलग घरों से आए हुए हैं महाराज। मेरे गोविंद ने महाराज एक मुट्ठी को भरा, मुट्ठी को भर करके महाराज उस चावल को अपने मुख में डाल दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की। महाराज जो स्वर्ग की जो संपत्ति है वह सब महाराज सुदामा जी के को प्रदान कर दिए हैं। दूसरी मुट्ठी उठा करके महाराज अपने मुख में डाली है। पृथ्वी के एक राजा को महाराज जितना सुख साम्राज्य मिलता है सब प्रदान कर दिया महाराज सुदामा जी को। और तीसरी मुट्ठी जब भरी महाराज, और ये चावल है कच्चे चावल, आपका पेट खराब हो जाएगा, या मन ही मन में कह दिया कि सुदामा जी को सब कुछ दे करके क्या तुम खुद सुदामा बनोगे? हाथ को नीचे किया महाराज, सुदामा जी को पुणे महाराज बिठाया है। सुदामा जी बैठे हैं, द्वारकाधीश बैठ करके पुनः बात कर रहे हैं सुदामा जी से अपने बचपन की बात। सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया तुम्हारे लिए एक कुछ शब्द तुम्हारी भाभी ने भेजे हैं जो मैं आपको कह देता हूं कि हे गोपाल, हे नंदनंदन, एक महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन गोपाल मेरे घर में महाराज नित्य एकादशी हो रही है। तब तक मेरे द्वारकाधीश ने कहा कि होनी थी से हो गई, अब ना ऐसी होई, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होई। सुदामा जी कहने लगे कि
कृष्ण अब मैं चलता हूँ, अब ज्यादा रुक नहीं सकता हूँ। द्वारकाधीश को महाराज सुदामा जी प्रणाम कर करके जाने लगे। जैसे सुदामा जी आए हैं वैसे ही जा रहे हैं महाराज। भगवान द्वारकाधीश ने महाराज हाथ में कुछ भी नहीं दिया, बोले द्वारकाधीश भगवान की। और मन में क्या कह रहे हैं सुदामा जी, भगवान क्या कह रहे हैं भगवान, मेरा दुपट्टा तो मेरे को दे दो। महाराज जो कपड़े पहनाए हुए भी कपड़े महाराज सब उतारने लगे। बोले द्वारकाधीश भगवान के फिर मिलने के लिए आना। अब सुदामा जी क्या का सोचते हैं मन में महाराज। भगवान क्या कह रहे, आपस आना मिलने के लिए। वाह भगवान वाह, आया जय गणा। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, फिर तिबार नाथ मोहि दीजे, सोही प्रसाद में शिर धरी लेवा। हे प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया है, आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपके दर्शनों की लालसा थी और आपके मेरे को दर्शन हो गए। सुदामा जी मिल करके महाराज इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए महाराज। बोले द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी महाराज पुणे निकले अपने घर के लिए महाराज, द्वारिका से सुदामा पुरी के लिए। मन में पुनः महाराज भगवान द्वारकाधीश का नाम लेते हुए हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले राधे राधे, और जोर से बोलिए मेरा कितना स्वागत किया। स्वयं लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी ने मेरे चरण धोए, मैं कितना धन्य हो गया।
सुदामा जी चलते 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 महाराज अपने गांव पहुंचे हैं। जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचे महाराज तो अपनी झोपड़ी देखने लगे कि मेरी झोपड़ी कहां है। अब महाराज झोपड़ी नहीं दिखाई देती है, वहां तो महाराज सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। सुदामा जी मन में सोचने लगे कि मेरी झोपड़ी कहां चली गई। महाराज बाहर सेवक खड़े हुए थे, उनसे सुदामा जी पूछने लगे कि यह भैया मेरी यहां पर झोपड़ी थी, झोपड़ी कहां चली गई। कि महाराज यहां पर महल बना हुआ है हमारे महाराज सुदामा जी का। सुदामा जी मन में सोचने लगे कोई सेठ होंगे सुदामा जी, मेरे पास में तो महाराज इतनी संपत्ति कभी हो ही नहीं सकती है, कोई सेठ सुदामा होंगे। अच्छा महाराज तो आपके जो सेठ हैं सुदामा जी उनका महल है तो मेरी झोपड़ी कहाँ गई है, वे कहाँ गए हैं, उनको बुलाओ। कि महाराज वे द्वारिका गए हुए हैं, द्वारिका गए हुए हैं। अच्छा महाराज द्वारिका गए हैं, तो सुदामा जी कहने द्वारिका तो मैं गया था लेकिन फिर भी मेरा मेल नहीं हो सकता है, कुछ दूसरे सुदामा होंगे जो द्वारिका गए होंगे। महाराज कितने दिन हो गए महाराज उनको गए हुए, तो महाराज उनको गए हुए एक साल हो गया है, एक वर्ष हो गया है। तो महाराज मेरे को गए हुए एक साल हुआ है। अच्छा महाराज जब वे गए तो उनकी तो पत्नी तो होगी, तो उनको बुलाओ आप। जाकर के महाराज सेवक कहते हैं सुशीला से, कोई ब्राह्मण बाहर आए हैं। सुशीला अपने सखियों के साथ में आई, सुंदर श्रृंगार कर करके महाराज जब आई है, सुदामा जी को देखा है सुशीला ने, और सुदामा जी सुशीला को देख रहे हैं तो महाराज सुदामा जी क्या कहते हैं, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटिला, भगवान ने से तूने धन मांगा था तो तुझे धन दिया, और मेरे को मैंने दर्शन मांगा तो मुझे दर्शन मिला। देख सुशीला अब मैं इस महल में मैं नहीं रहूंगा, तेरे को महल चाहिए ना, अब सोने की रोटी बना आराम से खा तू, मैं अब इस महल में रहने वाला नहीं हूँ। जब सुदामा जी जाने लगे तब तक द्वारिका धीस आवाज देते हैं, अरे सुदामा अंदर आओ। सुदामा जी अंदर गए और कहने लगे द्वारिकाधीश कि सुदामा मकान में रहो, जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, लेकिन जिस रंग में जिस संग में ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, वेश में रहो,
राधारमण कहो। प्रेम से बोली राधे राधे कि आप कहीं पे भी रहो महाराज जी, लेकिन भगवान से नाता जोड़ करके रहो, भगवान से कोई संबंध आप जोड़ करके रहो। सुदामा जी के ऊपर मेरे द्वारकाधीश ने महाराज कृपा की है। हम हर कथा में कहते हैं कि महाराज दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो महाराज दाता राम है और भिखारी महाराज दुनिया है। कोई छोटा भिखारी है, कोई मोटा भिखारी है, लेकिन मांगते तो उसी से है ना महाराज। सेठ तो महाराज सांवरिया है, बाकी हाँ। प्रेम से बोले राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कृष्ण को आज ब्रज मंडल छोड़े हुए महाराज 100 वर्ष हो गए हैं। कुरुक्षेत्र में हम उसे कहते हैं समंतक पंचक क्षेत्र। सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर वासुदेव जी महाराज ने वहां बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में महाराज बड़े बड़े संत, ज्ञानीजन, महात्मा, अमलात्मा, संत पहुंचे महाराज। माता कुंती भी पांडु के साथ में गई। ब्रज मंडल में महाराज आज गोपियां, राधा रानी, समस्त ब्रजवासी लोग भी वहां कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण ने ब्रज को छोड़े हुए महाराज 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष तक महाराज किसी से ब्रजवासियों से मिलने थे। अपने अपने महाराज सब शिविर में, तंबू में अपने अपने महाराज सब अलग अलग व्यवस्था से रुके हुए थे। तब तक उनके शिविर से महाराज, तंबू के बाहर से महाराज यशोदा मैया निकली है। अरे मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है। मेरे द्वारकाधीश कृष्ण अपने स्वर में महाराज अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। जब ये आवाज सुनी तो कन्हैया उठ करके दौड़ करके गए और मैया यशोदा से मिलने लगे। आज 100 वर्ष के बाद में मेरे द्वारकाधीश कृष्ण अपने माँ यशोदा से मिल रहे हैं। मैया हाथ फेरते हैं लाला को, लाला तू इतना बड़ा हो गया है। लाला द्वारकाधीश कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, माँ मैं सब कुछ भूल सकता हूं लेकिन आपके प्रेम को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। भगवान की जो पटरानी है यशोदा मैया से मिले, उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान की पटरानी कहने लगी कि मैं, हम सब राधा रानी से मिलना चाहते हैं। राधा रानी से मिलने के लिए भगवान की पटरानी गई है और अपने हाथ में महाराज दूध का गिलास लेकर के गई है मिलने के लिए। जब गई तो महाराज अनेक दास दासियां, अनेक गोपियों के झुंड में राधा रानी बैठी हुई हैं। राधा जी का स्वरूप इतना अद्भुत स्वरूप है महाराज, इतना अद्भुत स्वरूप है। अनेक डोडियों को पार करके जाना पड़ता है महाराज। विशाखा, ललिता आदि सखियां के बीच में बैठी हुई है मां राधा रानी। राधा क्या है महाराज? भगवान कृष्ण की आत्मा है, अहलादनी शक्ति है राधा। और भागवत के अंदर महाराज सुखदेव जी ने एक बार भी राधा रानी का नाम नहीं लिया, क्यों? राधा रानी का नाम लेते ही महाराज 6 महीने की समाधि लग जाती है। और महाराज परीक्षित जी के पास कितने दिन है? 7 दिन है। प्रेम से बोले राधे राधे। अरे यदि मैंने राधा रानी का नाम लिया तो मैं इनको कथा सुना नहीं पाऊंगा। भगवान की पटरानियां जाकर के उनको प्रणाम करके कहने लगी, आपके लिए दूध आया है, दूध पीजिए आप। राधा रानी कहने लगी कि जैसे कृष्ण ने व्रज का त्याग किया है तभी से मैंने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया है। मैं तो एक ही स्मरण करती हूँ, कृष्ण 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 कृष्ण।
भगवान की पटरानिया कहने लगी, आपके लिए द्वारिकाधीश ने भेजा है। तो महाराज गरम गरम दूध था, तो मेरे राधा रानी ने एक ही श्वास में महाराज दूध के गिलास को खाली कर दिया। उनको प्रणाम कर करके राधा रानी को भगवान की पटरानिया आई, सूर में आकर के भगवान द्वारिकाधीश के चरण दबाने लगी। तो भगवान के चरणों में महाराज पपोले पड़ गए, छाले हो गए। महाराज तो प्रभु आप कई बार गए नहीं, अरे आपके पैर में छाले कैसे हो गए? कि अभी अभी आप राधा जी को जो गरम गरम दूध पिला करके आए हैं कि उनके हृदय में मेरा निवास, चरणों का निवास है। भगवान की पटरानिया समझ गई है कि कृष्ण और राधा में कोई महाराज अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। महाराज राधा कृष्ण स्वरूपा भई, श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणा। शरीर अलग है लेकिन आत्मा अलग नहीं है। राधा कृष्ण की आत्मा एक ही है महाराज, सबसे मिल करके मेरे द्वारिकाधीश उन्हें आए हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारा जन्म इन वंश में हुआ है। उनको अद्भुत कथा सुनाते हैं, राजा नीरज की कथा सुनाई है महाराज कि महाराज कभी ब्राह्मणों का धन का हरण कभी नहीं करना चाहिए। जो महाराज जो ब्राह्मणों के धन का हरण करता है, 60,000 मस्तक विष्ठा में जाकर के कीड़ा बनना पड़ता है। षष्ठ वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। राजा नृप को महाराज उपदेश दिया है, गिरगिट बना था, उनको उपदेश देकर के महाराज उनका कल्याण किया है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक बार महाराज अर्जुन द्वारिका में आए, द्वारिकाधीश कृष्ण ने महाराज समझा दिया कि मेरी बहन सुभद्रा का विवाह मैं आपसे कराना चाहता हूं। लेकिन बलराम जी क्या चाहते थे, दुर्योधन से मैं अपनी बहन का विवाह कराऊंगा। लेकिन द्वारिकाधीश सब जानते हैं, तो महाराज अर्जुन को समझा दिया कि आप एक महात्मा जी का रूप बनाना और मेरे घर भोजन प्रसाद पाने के लिए आना और मेरे बहन का हरण कर लेना। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। महाराज संत महात्मा का रूप धारण करके अर्जुनानंद तीर्थ जी महाराज पहुंचे हैं द्वारिका। भगवान द्वारिकाधीश बलराम जी उनको बिठा करके, आइए आइए महाराज जी बैठिए, आप भोजन प्रसाद पाइए। तब तक महाराज उद्धव आदि सेवक आकर के कहने लगे कि महाराज जी आपको किसने किसी काम के लिए बुलाया है, आप चलिए महाराज। तो बलराम जी कहने लगे कि कृष्ण तू ऐसा करना, महात्मा जी को तू भोजन कराना और मैं उनसे मिल करके आता हूं। द्वारिकाधीश कृष्ण ने महाराज अर्जुन को पूरा समझा दिया, समझा करके महाराज पुनः उद्धव जी आए कि महाराज आपको भी बुलाया है। तब तक महाराज वह महात्मा जी का रूप धारण किया था अर्जुन ने, तो महाराज सुभद्रा का हरण करके लेकर के भग गए। जब ये बात बलराम जी को पता लगा, बलराम जी कहने लगे कृष्ण से, तू महात्मा जी की बड़ी बड़ाई कर रहा था, देख चलो उनको मार करके आते हैं। महाराज द्वारिका में महाराज सब शांत बैठे हुए हैं, जैसे महाराज कुछ हुआ ही नहीं। भगवान कृष्ण कहने लगे बलराम जी से कि बलराम जी ये सब मेरी लीला है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि इस पापी के साथ में अपनी बहन का विवाह करूं। महाराज इस प्रकार अर्जुन का विवाह सुभद्रा से कराया है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। महाराज वेद भगवान कहते हैं कि भगवान आपकी महिमा के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 कह दे दिबौ सब सब ही संता, कही आई सुनाई सब कहे सब संता।
महाराज अनंत है भगवान, वेद भी हार जाते हैं, नेति 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 कह करके भगवान को प्रणाम करने लगते हैं कि महाराज प्रभु आपके बारे में नहीं जान सकते हैं कि जब तक आप कृपा नहीं करते हो द्वारिकाधीश, तब तक महाराज आपके बारे में कोई वेद शास्त्र पुराण कुछ भी नहीं जान पाते हैं, तो साधारण जीव तो कैसे जाने प्रभु आपको। अब महाराज कहने लगे कि भगवान जल्दी किससे प्रसन्न होते हैं, सबसे जल्दी श्रेष्ठ देवता कौन है। भगवान विष्णु के बारे में कहा कि भृगुजी महाराज एक बार भगवान के वक्षस्थल पर लात मारी, लेकिन भगवान विष्णु को महाराज क्रोध नहीं आया, इसलिए सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु है, द्वारिकाधीश है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। परीक्षित, भगवान समय समय पर अपने प्रिय पुत्र को अच्छा उपदेश भी देते हैं। आज श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हैं, एकदम गंभीर बैठे हैं, और अपने पुत्र से बोले आज मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा कहिए आप क्या उपदेश है। कृष्ण बोले व्यक्ति के बिगड़ने के महाराज चार साधन है कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता, कि महाराज सुंदर रूप होना, ज्यादा धन होना, अधिक बिगड़ने के महाराज चांस होते हैं। अरे बच्चों, कभी भी संत महात्माओं का कभी अपमान नहीं करना, क्योंकि संत मेरा ही स्वरूप है, मेरा हृदय है, मैं संतन का दास, संत मेरी मुकुटमणि, मैं संतों का दास हूँ। कभी संतों का कभी आप अपमान मत करना, और जो संत का अपमान करता है महाराज, फिर मैं भी उसे कभी नहीं बचा सकता हूँ। प्रेम से बोली राधे राधे राधे। भगवान ने देखा कि ये मेरी बात गंभीर से नहीं सुन रहे महाराज, जब भोगेंगे तब इनको पता चलेगा। प्रभा क्षेत्र में एक सुंदर जगह है महाराज, सप्तऋषि पिंडारक, उस क्षेत्र में महाराज बड़े बड़े संत जन विराजते हैं। विश्वामित्रो सीता कण्वो दुर्वास भृंगु रंग सह कश्यपो वाम देवोत्र वशिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिर, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, सब बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए थे। जामवंती जी के जो पुत्र है महाराज सांब, उसने महाराज एक जनना वेश पहना और अपने पेट के ऊपर महाराज कपड़े लपेट दिए। कपड़े लपेट करके महाराज बड़े बड़े जो संत महात्मा थे, भगवान के जो और पुत्र है सांब के साथ में गए हैं। तो महाराज भगवान के जो पुत्र उनके साथ में गए तो सांब के बारे में पूछने लगे कि ये हमारी नई नई बहू है, इनके गर्भ से क्या होगा महाराज, ये नई बहू गर्भवती है, चाहती है मुझे कि पुत्र हो। आप लोग महाराज त्रिकालदर्शी संत हैं, आप ही बतलाइए कि महाराज पुत्र होगा कि पुत्री होगी महाराज। महात्मा लोगों ने कहा अरे दुष्ट, कृष्ण के पुत्रों पेट में कपड़ा बांध के लाए हो और हमारा उपहास करने के लिए महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हो कि महाराज इस गर्भ में नहीं तो लड़का होगा नहीं लड़की, या इसमें एक मूसल होगा तो तुम्हारे पूरे कुल को महाराज नाश कर देगा। महाराज जब यदुवंशी भयभीत हो गए, महाराज साड़ी को खोल करके देखा तो महाराज उसमें लोहे का एक मूसल निकला। उस मूसल को लेकर के महाराज उग्रसेन जी के पास में गए। उग्रसेन जी ने महाराज वासुदेव जी को दिया तो महाराज क्या किया जाए कि इसको पिसा करके महाराज समुद्र में फेंक दिया जाए। समुद्र में महाराज इसको फेंक दिया। अब महाराज वासुदेव जी को महाराज बड़ी चिंता होने लगी, बड़ी चिंता होने लगी। तब तक नारद जी आए। नारद जी ने उनको भागवत का सुंदर उपदेश दिया कि आपको ये मनुष्य जीवन मिला है महाराज, इसका आप सही उपयोग करो। कि दुर्लभ मानुषो देहो देहिना क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। महाराज
एक तो महाराज ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही दुर्लभ है महाराज। और इसमें भी दुर्लभ महाराज आप जैसे वैकुंठ, महाराज वैकुंठनाथ के दर्शन हो रहे हैं, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसलिए वास्तुदेव है भगवान को सौंप दो महाराज, करने और कराने वाले महाराज परमात्मा है, उस परमात्मा के प्रति उसकी कथा के प्रति विश्वास रखो महाराज। जैसे द्रौपदी ने रखा था कि दुशासन नग्न करने लगा था, लेकिन विश्वास हो गया कि भगवान है, तब उनका कल्याण हो गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, चाहे भाव से कुभाव से कैसे भी लो महाराज, भगवान का नाम लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, चाहे कैसे भी लो महाराज आपका कल्याण होगा महाराज। नव योगेश्वर महाराज 24 गुरु की कथा बताई है दत्तात्रेय महाराज कि अपने जीवन में महाराज दीक्षा गुरु हमेशा एक होता, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। जिससे शिक्षा मिल गई वो महाराज सब महाराज शिक्षा गुरु ही, लेकिन जीवन में किसी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे कि आशा ही परम दुखाम निराश परम सुखाम। जीवन में जब आशा है तो दुख है, और आशा नहीं है तो महाराज सुखी सुख है महाराज। आशा किसकी है कि महाराज गाड़ी आ जाए, मकान बन जाए, विवाह हो जाए, बच्चे हो जाए, और कोई आशा नहीं बाबा जी बन जाए तो महाराज कोई तकलीफ नहीं है। प्रेम से बोली राधे राधे। आशा ही महाराज मूल कारण दुख का है, इसलिए जीवन में आशा रखनी है तो महाराज गोविंद से मिलने की, परमात्मा से मिलने की, और महाराज आशा कोई दूसरी जीवन में नहीं रखनी चाहिए। आशा एक ही है कि मेरे गोविंद कब मिलेंगे, मेरे ठाकुर जी कब मिलेंगे महाराज। उद्धव जी ये संसार ही सपना है, सत्य तो केवल मेरा नाम है, मेरी आत्मा है, बाकी तो मेरा संसार असत्य है जो नाशवान है, नाश होने वाला है इसका। संसार का मतलब संसरति इति संसार है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण प्रवर्तनशील हो रहा है महाराज। आज जवान है कल बुढ़े हो जाएंगे, धीरे धीरे परिवर्तन होना संसार का नियम है महाराज। भगवान कृष्ण अपने पुत्र को महाराज समझाया है, लेकिन पुत्र समझे नहीं, और महाराज उनकी बुद्धि इतनी बिगड़ गई कि महाराज आपस में यदुवंशी सब लड़ने झगड़ने भिड़ने लगे महाराज। लड़ते 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 महाराज जितनी यदुवंशी है धीरे 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 महाराज समाप्त होने लगे। अब अस्त्र शस्त्र सब नष्ट हो गए, तो महाराज जो घास थी समुद्र की एरका नाम की घास, उनको लेकर के महाराज युद्ध करने लगे। धीरे 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 सब समाप्त होने लगे महाराज। भगवान द्वारिकाधीश और बलराम जी दोनों एक टिल पे जाकर के बैठ गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या है महाराज यदुवंशी, धीरे धीरे समाप्त होने लगे महाराज। बलराम जी को बुला करके कहने लगे कि बलराम जी आप भी जाइए, अब जाने का समय हो गया है। बलराम जी ने महाराज शेष अवतार लेकर के चले गए महाराज सागर में, क्षीर सागर में चले गए। बोले बलराम जी महाराज की, और महाराज जो समुद्र में वे एक नाम की घास को फेंका था, उस एक टुकड़े को महाराज मछली ने निगल लिया था थोड़ा से, तो एक बहेलिया ने महाराज अपने धनुष के ऊपर लगा दिया, तीर के ऊपर लगा दिया महाराज, तीर के ऊपर लगाया। द्वारकाधीश अपने मस्ती में बैठे हुए थे कि करा रविंदे न पड़ा रविंदा मुखा रविंदे निवेशयंता। एक महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं महाराज, विश्राम कर रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की, मेरे प्रभु मेरे कृष्ण प्रभा क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। दाहिने जंगे पर महाराज बाहीं चरण को रख करके अर्धशयन अवस्था में वे महाराज लेटे हुए थे मेरे द्वारिकाधीश। प्रेम से बोले राधे राधे। अब ऐसा लग रहा कि आपका ध्यान भटकने लग गया है, तो जोर से बोले आप, अरे आधे आधे नहीं पूरे राधे राधे। अरे आपको मैंने तुम्हारा पहले दिन क्या कहा था कि आप सोडास गांव में नहीं बैठे हैं, कहां बैठे हैं आप?
वृंदावन में, और महाराज ऐसे वृंदावन में राधे राधे ऐसे बोलेंगे आप? आपको क्या वृंदावन में एंट्री नहीं करनी है क्या? करनी है ना, तो ऐसे बोलेंगे आप? अच्छा आपा नटी रहनो, आपा नन्हे चालनो, सरपंच साहब आपा नन्हे चालनो कि चालनो वृंदावन चालनो? तो जोर से बोलो सभी राधे राधे मेरे द्वारकाधीश। अर्धवस्था में महाराज बैठे हुए हैं, पहले उसी वन में महाराज डोल रहा था, दूसरे चरण मेरे गोविंद के तलवार को देख करके हिरण समझ करके महाराज जैसे ही निशाना लगाया तो महाराज तो वह बाण मेरे गोविंद के पैर में लग गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की वह बहलिया महाराज दौड़ करके आया और भगवान के चरणों में गिर गया और बोला मुझे मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए प्रभु, मुझे दंड मिलना चाहिए। प्रभु बोले बहलिया चिंता ना करो, मेरे इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है, तुम्हारा कर्ज बाकी था आज वह कर्ज पूरा हो गया है। कोई कोई संत कहते हैं महाराज सुग्रीव के भाई बाली थे, जो बाली को महाराज छुप करके बाण मारा था वही बहलिया का रूप धारण करके आए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। महाराज अर्जुन आए हैं, अर्जुन को महाराज बड़ा क्रोध आया, अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन मेरी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है, ऐसा करो अर्जुन कि कुछ ये गोपियां बचते हैं इनको आप मथुरा लेकर के चले जाओ। अर्जुन महाराज रथ में बैठ करके ले जाने लगे, भगवान ने एक भील का रूप धारण किया महाराज और सब गोपियों का हरण कर लिया। आज अर्जुन का भी महाराज गांडी भी कुछ काम का नहीं रहा कि जब द्वारकाधीश कृष्ण थे तो सब महाराज ये काम के थे, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं रहे तो महाराज ये कोई काम के नहीं है। महाराज दारू नाम का सारथी आया जो जीवन भर मेरे गोविंद की सेवा की है, उसने उसको भी कहा कि ये द्वारका डूबने वाली है, ये द्वारका पूरी समुद्र में विलीन हो जाएगी, डूब जाएगी, ऐसा करो ये कुछ जो बचे हुए हैं द्वारकावासी के लोग उनको मथुरा लेकर के चले जाओगे। इस प्रकार महाराज मेरे द्वारकाधीश अब गंभीर होकर के बैठ गए, आकाश मंडल से महाराज देवता स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु आओ, समय हो गया है, आने का समय हो गया है। भगवान कृष्ण के शरीर से महाराज दिव्य तेज निकलने लगा है, देवता लोग भगवान की आने का इंतजार कर रहे हैं कि द्वारकाधीश आने वाले हैं, मेरे गुरु आने वाले हैं। भगवान कृष्ण के शरीर से महाराज के दिव्य तेज निकला, ब्रह्मांड में घूमा, ब्रह्मांड में घूमने के बाद में महाराज पुनः नीचे आ गया और नीचे आकर के भागवत में प्रविष्ट हो गया, तभी से महाराज ये भागवत भगवान हो गए। बोले भागवत भगवान की। एक रूप में तो महाराज भागवत में विराजमान हो गए और दूसरे रूप में महाराज वृंदावन में निवास करने लगे मेरे द्वारकाधीश। इस प्रकार महाराज भागवत ये साक्षात भगवान है, तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे, ये साक्षात मेरे गोविंद का वांग्मय रूप है। सुखदेव जी कहते हैं राजन कलयुग में महाराज अब बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा, सब झूठ ही झूठ बोलेंगे, पाप का आश्रय लेकर के अपना जीविका को चलाएंगे महाराज, ऐसे ऐसे कलयुग में महाराज भयंकर लोग होंगे। लेकिन कलयुग में महाराज एक अच्छा गुण है, जो भगवान का नाम का स्मरण करेगा तो महाराज उसका कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, एक ही उपाय है कलयुग में महाराज बचने का, भगवान का नाम का आश्रय ले लो। बोले द्वारकाधीश भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई, 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मुरे हुए सर्प को डाला, संत के तेजस्वी पुत्र ने महाराज आपको श्राप दिया और 7 दिन हो गए मैं आज आपको कथा सुनाते सुनाते हैं, लेकिन आज आपसे मुझे कुछ पूछना चाहता हूँ कि गुरुदेव आप पूछो, क्या तुम मरने वाले हो? तब महाराज परीक्षित जी क्या कहते हैं कि गुरुदेव आत्मा कभी नहीं मरती है,
शरीर मरता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार महाराज जी आत्मा है, पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती, प्रवेश कर जाती है। इसलिए मैं मरने वाला नहीं हूँ। सुखदेव कहते बोले, राजन बस मैं ये समझ रहा हूँ कि तुमने भागवत कथा सुनी है, मैं मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि आती है तो उसको त्याग दो, ये संसार स्वप्न है, प्रभु का मैं अंश हूँ, उसकी प्राप्ति के लिए मैं इतने प्रयत्न कर रहा हूँ। महाराज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। महाराज बोले, सुखदेव जी महाराज की जय हो। महाराज राजर्षि परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गया कि आपने पहले इतनी बड़ी कृपा महाराज कभी किसी के ऊपर नहीं की, लेकिन आपने मुझे अपना दास जान करके बड़ी कृपा करके महाराज मुझे ये कथा सुनाई आपने। सुखदेव जी को महाराज प्रणाम किया परीक्षित जी ने, और महाराज सुखदेव जी वहां से अंतरिक्ष ध्यान होने लगे। बोले, सुखदेव जी महाराज की। राजर्षि परीक्षित समाधि में बैठे थे, उनके पुत्रों ने महाराज बड़ी सुरक्षा कर की है। महाराज परीक्षित जी के जो पुत्र है जन्मेजय, उन्हें बड़ी सुरक्षा की है कि महाराज कोई भी नाग यहाँ अंदर नहीं आ सकता है, बड़ी व्यवस्था बनाई हुई है महाराज। लेकिन काल का समय है, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, जिससे जन्म लिया है एक ना एक दिन मरना अवश्य है। महाराज प्रेम से बोले, राधे राधे। 7 दिन से आज श्रापित से उत्प्रेरित होकर के बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले हुए नाग चल रहा है, लेकिन कश्यप ऋषि जी उनको रोकने लगे, लेकिन कश्यप ऋषि जी को महाराज धन दे दिया और महाराज वह तक्षक चला है। महाराज तक्षक जब चला, चलते चलते महाराज परीक्षित जी बैठे हैं, महाराज परीक्षित जी को जाकर के वे दशा है, और परीक्षित जी के महाराज वे पांच भौतिक आज शरीर का त्याग किया है। बोले, भक्त वत्सल भगवान की जय। सोनका देवी ऋषि ने पूछा, सूजी ऋषि मारखंडे मुनि ने प्रलय का दृश्य कैसे देखा है? तो महाराज प्रलय का दर्शन उनको कराया है, मारखंडे ने प्रलय का दर्शन किया महाराज। अब यहाँ से महाराज भागवत है, तुम्हारा 7 दिन का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। प्रेम से बोले, राधे राधे। भागवत में महाराज पहले 6 अध्यायों में महात्म्य है, जिसमें भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का निरूपण किया हुआ है, और गोकर्ण जी महाराज और धुंधकर का भी वर्णन आता है। ये पद्म पुराण अंतर्गत ये महात्म्य है महाराज। श्रीमद भागवत कथा के महाराज 10 लक्षण है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊसी मनवंत्रु कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण है भागवत के। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है, कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन है। प्रथम स्कंद ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। द्वितीय स्कंद में महाराज सद्य मुक्ति, कर्म मुक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या है। द्वितीय स्कंद ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। तृतीय स्कंद में विदुर मेत्र संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है, तृतीय स्कंद ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। चतुर्थ स्कंद में महाराज सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण किया हुआ है, चतुर्थ स्कंद ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। पंचम स्कंद प्रियव्रत चरित्र है, अग्रिद्र चरित्र है, नाभि चरित्र है, जड़ भरत की कथा है, और भरत राहुगण संवाद है, खगोल भगोल का वर्णन है, और 28 नरकों का भी वर्णन है पंचम स्कंद में। पंचम स्कंद ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। षष्ठ स्कंद में महाराज सर्वप्रथम अजामिल को उपाख्यान है, गुरु हत्या का परिणाम है, मृदगुणों की उत्पत्ति है महाराज, षष्ठ स्कंद ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। 7वें स्कंद में महाराज प्रहलाद जी का चरित्र है, नरसिंह भगवान की कथा है, 7वें स्कंद ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। 8वें स्कंद में महाराज गजेंद्र उपाख्यान है, समुद्र मंथन है, वामन चरित्र है, मत्स्य अवतार है, 8वें स्कंद ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। 9वें स्कंद में महाराज सूर्यवंश, श्री राम कथा, चंद्रवंश, संक्षिप्त में महाराज कृष्ण कथा है, 9वें स्कंद ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। 10वें स्कंद में महाराज प्रभु श्री कृष्ण के विस्तार से लीला का निरूपण किया हुआ है, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका की लीला,
आदि का विस्तार से वर्णन है। प्रभु की करुणा की भी कथा है। दसवें स्कंद महाराज ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है। ग्यारहवें स्कंद में महाराज नव योगेश्वर संवाद है। कृष्ण अब महाराज अब मेरे साथ में आप सभी बोलेंगे। दो श्लोक है भागवत जी के, सभी को बोलना है मेरे साथ में। प्रेम से बोले राधे राधे। भवे भवे यथा भक्ति, यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवस्त नातस्तम नो यतः प्रभो, नातस्तम नो यतम प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनास, प्रणामो दुःख समनास तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। बोली भागवत भगवान की। देखिए ये जो भागवत महापुराण आपने 7 दिन तक बैठ कर ये कथा सुनी है, आप जिस भाव से यहाँ पर आए हैं ठाकुर जी से प्रार्थना करना, मेरे गोविंद से मेरे माधव से प्रार्थना करना, आप जिस कामना से कथा सुन रहे हैं मेरे ठाकुर मेरे भागवत भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। देखिए भागवत के अंदर 7 दिन में कभी कथा नहीं होती है, 7 दिन में कथा कभी नहीं होती है, क्योंकि यह हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यह अनंत 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 है महाराज, इनका पार कभी पाया नहीं जाता है। और मैं तुम्हारा एक छोटा सा बालक हूँ आपके सामने, तो मैं 7 दिन में आपको कथा सुना पाऊँ ऐसे मेरे में इतने सामर्थ्यवान मेरे में नहीं है महाराज। यदि मेरे वचनों से कोई त्रुटि हो गई है तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि भागवत का जो श्लोक श्लोक है वह कृष्ण का ही स्वरूप है महाराज। भागवत में महाराज कोई भी गलती नहीं है। इस तन के अंदर गलती हो सकती है, लेकिन भागवत के अंदर महाराज कोई गलती नहीं है। इसलिए आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूं महाराज, और आज सबसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। आज मुझे देने के लिए कौन कौन तैयार है महाराज? देखो आज 7वां दिन है, कभी किसी से मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने मांगा हो तो बता सकते हैं आप। हाँ ना मांगियो, मारा लेकर भी नहीं मांगियो। हाँ तो कौन कौन देने के लिए तैयार है? अरे कि आपकी झुमरिया थोड़ी खुलाऊं गए मैं। अच्छा ये हाथ जो खड़े हैं ये तो तैयार हैं। मुझे मारा धन दौलत और कुछ नहीं चाहिए। हाँ आप तो ऐसा आशीर्वाद देकर के जाओ कि जब तक ये शरीर है तन है महाराज, तब तक आप जिससे भक्तों को मैं कथा सुनाता रहूं, ये आशीर्वाद देकर के जाइए। बोले भागवत भगवान की। हम सभी जगह जाते हैं तो महाराज विश्राम में एक भजन गाते हैं, तो महाराज एक बार आप सभी को बोलना है, एक बार मैं बोलूंगा, है ना। कि राम का जो मर जाएंगे, राम का नाम जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, राम के नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोले भागवत भगवान की, बोले वेद व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले पक्षी जी महाराज की।
अब आप सभी लोगों से हम विदाई ले लेते हैं, क्यों हम जहाँ जाते तो विदाई लेनी पड़ती है हमारे को, अब सभी से विदाई ले लेते हैं ना बड़े भाव के साथ में। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हम मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था भगवान की जय हो। प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए राधे।